people will join in. Many of you had a hectic day, I guess, with a physics class and then like multiple classes. But ठीक है, चलो करते हैं. आराम से बैठो, सुनो आराम से कहानी को, और कोई चीज समझ नहीं आती then interrupt करके बता दो कि सर ये समझ नहीं आया. बस evolution is more like a story. You have to pay attention and then slowly आपको सब चीज़ वहाँ पे समझ आ जाएगी. Okay. तमन्ना, अंशु, गुड इवनिंग. हिम्मत सिंह, प्रिंस, गुड इवनिंग सर. सो चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. पुरानी कहानी अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक अ होमोलॉजी, हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था. एंड हमने डिस्कस किया था समथिंग लाइक स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन, हमने वहां पर डिस्कस की थी. तो कई सारी कहानी हमने वहां पर देख ली थी. आज हम उसके बियॉन्ड जाएंगे. विल गो समथिंग slightly beyond that and we'll see some more things over here. So let's go beyond that and understand a few more things. चलिए देखते हैं. हमने जब हमारी स्टोरीज देख ली थी इवोल्यूशन की, जो आई होप सबको यहाँ पे समझ आ चुकी है, जहाँ पे हमने बात किया था अबाउट योर डीडीटी एंड द मॉस्किटो, देन वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक योर टॉम कॉड फिश इन द हडसन रिवर एंड बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक्स. तो ये हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने इवोल्यूशन की कहानी को हमने वहाँ पे समझा था. ठीक है, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉसिल्स. फॉसिल्स भी हमने यहाँ पे देख लिए थे कि फॉसिल्स क्या होते हैं. फॉसिल्स जितना ओल्ड होगा वो हमें पता चलेगा कहाँ से हमें वो मिल जाए. अगर वो अर्थ के बहुत लोअर स्ट्रेटा से अगर आपको मिल जाए, then that means कि fossils आपका काफी पुराना है. Okay, and it also tells you number of things. ये आपको even बताता है evolution के बारे में, आपको बताता ही है. हाँ जी बेटा, good evening. So you get to see number of things while studying fossils. आपको काफी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाती हैं. So that is something we have discussed. Jurassic Park के अंदर आपके, ये Jurassic period के अंदर आपके dinosaurs थे, right? And वो उसी time के लिए थे, and then they went extinct. So all those things you get to understand. और एक topic है geological time scale वाला, वो भी हम सीखेंगे, लेकिन हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं. Then we have seen homologous and analogous structure. हमने यहाँ पे देखा था homologous के example, हमने यहाँ पे देखे थे whale, cheetah, bat, human. चारों के अंदर anatomy जो आपको मिलेगी four limb की, वो आपकी same होगी, right? But इनके function यहाँ पे आपके अलग हो जाएंगे. So you have a different function but a same structure. That was my homology. Same चीज हमने देखी हमारे brain के साथ. ये frog, snake, bird, human being, हम सबके अंदर जो brain का जो structure वो आपका same रहेगा, but function सबका यहाँ पे अलग है. कभी भी आप फ्रॉग से लॉजिकल थिंकिंग के एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते. यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग विद द ह्यूमन बीइंग, राइट? सो यू विल फाइंड फंक्शंस विल रिमेन द सेम. सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय होमोलॉजी. ये भी मेरा होमोलॉजी का एग्जांपल यहां पे बन जाता है. ठीक है, पिक्चर्स हम यहाँ पे देख चुके हैं सारे के सारे. वी हैव सीन ऑल दिस बोन्स ऑफ द आर्म, राइट? ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस. और एक बेटर पिक्चर आपकी ये भी है. सबके पास ये सारे सेम एनाटॉमी है सबकी बोन्स की, बट साइज अलग है. And you have a different function. That is something we have seen. इसके साथ हम देखा था हमारा यहाँ पे बोगनविला और हमारा example of में कुकुरबिटा plant का. Tendrils आपके यहाँ पे आ रहे हैं कुकुरबिटा plant के अंदर and thorns आपके आ रहे हैं बोगनविला के अंदर. Both are my modified branch. दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे modified branch है and they are also example of my your homology. Right? इनके अंदर भी आपको homology का example आपको मिलेगा. So you have a different function but they have a same structure. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इवन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है बता दिया था. यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, और उस कॉमन एंसेस्टर में से आपके यू आर फाइंडिंग अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन रही है. या एक कॉमन ट्रेट में से यू आर फाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे एज पर द अडेप्टेशन आपके ट्रेट्स आपको यहाँ पे मिल जाए. जैसे फोर लिम की हम बात करें तो वी हैव अ कॉमन एंसेस्टर, बट फोर लिम जो आपका बैट का होता है इट विल हैव अ रोल ऑफ फ्लाइंग. चीता का फोर लिम आपका यूज किया जाएगा दौड़ने के लिए, और व्हेल का यहाँ पे यूज किया जाएगा आपका स्विम करने के लिए फोर लिम को. So that is example of my divergent evolution. Diverge हो रहा है, अलग हो रहा है, common ancestor में से अलग हो रहा है. That is my divergent evolution. अब हम आगे बढ़ते हैं and let's try to understand one more कहानी of your analogy. अब अगला जो term हम यहाँ पे सीखेंगे वो हुआ मेरा यहाँ पे term analogy वाला. So ये term simple है, अगर homology आ रहा है analogy भी तो आ ही जाएगा आपको यहाँ पे. So you'll find in this you will have different structure. You'll have different structure but you will have a same function. Structure aapke yahan pe different hai but you will have a same function over here. Agar ye cheez aapko hote hue mil rahi hai, this is a story of your analogy. Ye aapki yahan pe jo kahani hai, this is a kahani of your analogy.
अब एनालॉजी के हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपका इसके ऊपर ग्रिप बने। तो एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम बात करते हैं विंग्स, विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ अ बर्ड। सो अगर मैं विंग्स देखता हूँ और अगर मैं विंग्स ऑब्जर्व करता हूँ एक बटरफ्लाई के अंदर और यही विंग्स में ऑब्जर्व करता हूं मेरे बर्ड के अंदर, अब आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए आपको यहाँ मिलेगा अगर आप इन दोनों के विंग्स को ऑब्जर्व करते हो? तो विंग्स का बेसिकली काम सेम है, विंग्स चाहे वो बर्ड का या बटरफ्लाई का, बोथ ऑफ देम हैव अ रोल ऑफ फ्लाइंग, दोनों का रोल यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लाइंग करेगा। बट अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ विंग्स को अगर बटरफ्लाई के, सो बटरफ्लाई के विंग्स किससे बने हुए, ओनली मेड अप ऑफ थिन प्रोटीन, एकदम इतने थिन रहेंगे, दे आर नथिंग बट मेड अप ऑफ माई प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ योर प्रोटीन, राइट। तो जो आपके जो बटरफ्लाई के जो आपके यहाँ जो विंग रहेंगे, दे आर मेड अप ऑफ थिन प्रोटीन, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं होता, बड़े पतले से आपको आपके विंग आपके यहाँ पे मिल जाएंगे थिन। बर्ड्स के अगर मैं विंग्स को ऑब्जर्व करता हूँ तो इसमें मुझे क्या मिलेगा, आई विल फाइंड मसल्स, बोन्स, फेदर्स, तो यहाँ पे मुझे काफी कुछ यहाँ पे मुझे मिल रहा है, सो आई कैन सी द मसल्स ओवर देयर, राइट, आई कैन सी द बोन्स और फेदर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे बाद में। सो दैट इज वॉट विंग्स आर मेड अप ऑफ इन द बर्ड्स। तो श्योरली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है बट फंक्शन यहाँ पे आपका सेम हो जाएगा, फंक्शन आपका यहाँ पे सेम रहेगा बट आपका स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे अलग रहेगा, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय एनालॉजी। तो ये यहाँ पे मेरा बनेगा यहाँ पे एक क्लियर कट एग्जांपल पर एनालॉजी का, डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बहुत अलग है बट फंक्शन दोनों का यहाँ पे सेम है, लाइट, क्या है फंक्शन दोनों का यहाँ पे सेम, बोथ ऑफ देम आर बीन यूजिंग दिस स्ट्रक्चर फॉर द लाइट, ये फ्लाइट के लिए इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, उड़ने के लिए इनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी द एनालॉजी ओवर हियर, ठीक है। और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल आपका मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई, आई जो आपको मिलती है देखने के लिए ऑक्टोपस के अंदर भी, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द आई इन द ह्यूमंस एज वेल। तो ह्यूमंस के अंदर भी आपको आंखें देखने के लिए मिल रही है, ऑक्टोपस में आपको मिल रही है, याद रखना दोनों के अंदर ओरिजिन होगा डिफरेंट, सो आई जो ऑक्टोपस की होगी उसका ओरिजिन अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, ह्यूमन की जो आई होती है उसका स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आपके यहाँ पे अलग होता है, बट फंक्शन दोनों का क्या है यहाँ पे, टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द सराउंडिंग, फंक्शन इसका यहाँ पे है कि आसपास क्या हो रहा है वो यहाँ पे उसे देख पाएंगे। सो याद रखना ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी द एग्जाम्पल, इनकी जो आंखें होती है दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माई एनोलॉजी, क्योंकि याद रखना दे विल हैव डिफरेंट ओरिजिन, दे विल हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, they have different origin and structure and because of that they are going to be the example of my analogy, different hai structure origin but function yahan pe same rahega dekhna aas paas, so that is the example of my analogy, to ye aapko ho gaya ek aur example le raha hai analogy ka, to ye aise hi aapko examples aapko iske andar yaad rakhne, you have to know such number of example in this taki aapka iske upar aapka like grip bana rahe is topic ke andar, theek hai, so that is something you have to know. fir ek example aapka yahan pe aa jayega aapka penguin ka, so penguin will have a flipper, अगर आप पेंगुइन कभी ऑब्जर्व करते हो, अगर आपने कभी पेंगुइन देखा होगा टीवी के ऊपर, राइट, यू हैव अ पेंगुइन एंड अ पेंगुइन यू हैव एंड यू हैव अ डॉल्फिन, यू हैव अ पेंगुइन यू हैव अ डॉल्फिन, अब पेंगुइन डॉल्फिन के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग अ फ्लिपर, दोनों के अंदर आपको कॉमन क्या मिलेगा, दोनों के पास मिलेंगे आपको देखने के लिए आपके फ्लिपर, बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग द फ्लिपर। अब ये जो फ्लिपर आपको दोनों के अंदर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, राइट अंशिका, जो फ्लिपर आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, इसका काम क्या होता है, क्या होता है पेंगुइन और डॉल्फिन का फ्लिपर का काम क्या होगा, क्या होगा जी काम क्या होगा, पेंगुइन कभी तो कभी देखी होगी टीवी के अंदर, क्या होता है उसका काम फ्लिपर का, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखो ये आपकी पेंगुइन है, यहाँ पर डॉल्फिन है, दोनों का फ्लिपर है, क्या होता है इसका काम, इन दोनों का काम क्या होगा, स्विम करना, सिंपल सी बात है, पेंगुइन भी स्विमिंग करेगा, पेंगुइन उड़ नहीं सकता, बता देता हूँ आपको अगर आपको मालूम नहीं है तो, पेंगुइन उड़ नहीं सकता, उसके फ्लिपर्स का काम होता है स्विम करना, लेकिन बहुत बढ़िया स्विम कर सकता है वो, राइट, सो बोथ ऑफ देम विल हैव अ रोल ऑफ अ स्विमिंग, राइट, बट दे विल हैव अ डिफरेंट ओरिजिन, इसके फ्लिपर का जो ओरिजिन यहाँ पे होता है ना वो दोनों के अंदर अलग होता है, राइट, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट ओरिजिन ओवर देयर, दैट इज व्हाई इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय अगेन एनालॉजी, सो यहाँ पे भी आपको जो ओरिजिन होगा दे विल हैव अ डिफरेंट ओरिजिन, सो ओरिजिन आपका यहाँ पे अलग होता है, फ्लिपर्स का ओरिजिन दोनों के अंदर आपका यहाँ पे अलग होगा, so because of a different origin this become example of my analogy, yaad rakhna penguin wala example yaad rakhna, it is example of my analogy, this is both are been used for the swimming purposes ke liye, theek hai, ab ek aur cheez aapko bata dun yahan pe, suno dhyan se, agar main wapas se piche wale example pe jaun,
यू हैव समथिंग लाइक योर, लेट मी डिवाइड दिस पेज. यू हैव, आपके पास है आपके यहाँ पे बटरफ्लाई, यू हैव योर बटरफ्लाई एंड यू हैव योर बर्ड. अब आप देखो ये जो दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, ये दोनों के दोनों काफी अनरिलेटेड हैं. बोथ ऑफ देम आर अनरिलेटेड. कोई इनका कोई ऐसा नहीं कि दोनों का कॉमन एंसेस्टर आपको मिल रहा है, राइट? सो बोथ ऑफ देम ओवर देयर आर गोइंग टू बी अनरिलेटेड. दोनों के दोनों जो मेरे यहाँ पे है, ये दोनों मेरे यहाँ पे अनरिलेटेड है. यहाँ पे दोनों के अंदर कोई कॉमन चीज आपको यहाँ पे मिल रही है बिल्कुल ना, ऐसा तो है नहीं कि कॉमन एंसेस्टर है इनके. सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी अनरिलेटेड. सो इवन दो ये लोग यहाँ पे अनरिलेटेड है, यहाँ पे इन दोनों के अंदर आपको एक कॉमन ट्रेट डेवलप होता हुआ आपको यहाँ पे मिला. इन दोनों के अंदर आपको एक कॉमन ट्रेट बनता हुआ मिला, और जो कॉमन ट्रेट इनके अंदर डेवलप हुआ है, सो इंडिपेंडेंटली आपका हुआ होगा ना. सो बटरफ्लाई के अंदर जब फ्लाइट आया होगा, वो आपका इवॉल्व हुआ इंडिपेंडेंटली, राइट? सो इसमें जो फ्लाइट आया था वो इंडिपेंडेंटली आपका यहाँ पे आया होगा. उसी तरीके से बर्ड्स में जब आपका फ्लाइट का इवोल्यूशन हुआ होगा, जब उसने उड़ना सीखा होगा, तो वो उससे उसका कोई रिलेशन है नहीं बटरफ्लाई के साथ, राइट? तो इसके अंदर भी जो फ्लाइट का इवोल्यूशन हुआ वो भी आपका इंडिपेंडेंटली हुआ, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग कॉमन एंसेस्टर ओवर देयर. दोनों रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है? सो यहाँ पे आपको जो इवोल्यूशन होते हुए दिख रहा है, दोनों स्पीशीज आपकी इवॉल्व करिए, दे हैव अ सेंस ऑफ फ्लाइट, दे हैव अ इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट हैपनिंग इन देम, और दोनों के अंदर कोई कॉमन चीज यहाँ पे आपको नहीं मिल रही. यू डोंट हैव अ कॉमन एंसेस्टर ओवर हियर. यहाँ पे आपको कॉमन एंसेस्टर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, एंड दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ये बनता है मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. एक्सक्यूज मी. सो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है दैट आपके पास दो स्पीशीज आपके सामने होंगी, और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बोथ आर अनरिलेटेड, एंड स्टिल यू विल फाइंड दोनों के अंदर आपको कॉमन ट्रेट देखने के लिए आपको मिल जाएगा. दोनों के अंदर कुछ तो ट्रेट्स होंगे जो कॉमन होंगे, एंड दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो याद रखना, जब भी आप पढ़ोगे एनालॉजी, एनालॉजी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. जब भी आपने एनालॉजी आपने सीखना है, तो याद रखना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही उसके अंदर लगेगा. जैसे होमोलॉजी में डाइवर्जेंट लग रहा था, एनालॉजी के अंदर आपको कन्वर्जेंट लगेगा. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? यस यस सर. ठीक है, उसका एक और मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूं तो आपको थोड़ा और क्लियरेंस आएगा. तो ये तो हमने देख लिया, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ माय एनाटॉमी, बर्ड्स के विंग एंड बटरफ्लाई के विंग. ठीक है, एंड दिस इज अ एग्जांपल, दिस ऑलवेज रिमेंस एग्जांपल ऑफ योर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. सो एनालॉजी मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. और याद रखना, जब भी कन्वर्जेंट आएगा याद रखना, दे डोंट हैव कॉमन एंसेस्टर्स. दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड है, कॉमन एंसेस्टर आपके पास नहीं है यहाँ पे. स्टिल दोनों के अंदर इंडिपेंडेंटली एक ट्रेट इवॉल्व करता है, और दैट इज द स्टोरी ऑफ अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. अब ये वाला पिक्चर देखते हैं, इसको हम समझते हैं. ये भी एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आपको याद रखना है. सी, यू हैव अ पोटैटो, यू हैव अ स्वीट पोटैटो. अब दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कोई मुझे हैंड रेज करके बताओ कि इन दोनों में कॉमन है क्या एक तरीके से, बताओ. स्वीट पोटैटो पोटैटो में कॉमन क्या है? ये मत बोलना कि सर दोनों को पका सकते हैं हम लोग, दोनों की सब्जी अच्छी बन जाती है. अदर देन दैट, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम? बायोलॉजी के बच्चों बताओ क्या होता है कॉमन इसके अंदर? इतना इतना सन्नाटा. दोनों पोटैटो है अंशिका, डाट खाओगे डाट. सर दोनों रूट से क्या होगा? सर दोनों इनसाइड हैं, दोनों इनसाइड सॉइल के. अच्छा ठीक है, अब सुनो मेरी बात. दोनों के अंदर कॉमन ही है, बोथ ऑफ देम हैव अ स्टोरेज ऑफ स्टार्च, बोथ ऑफ देम विल हैव अ. सर मैं यही बोलने वाली थी. लेट हो गया ना, हो गया लेट. सो बोथ ऑफ देम विल हैव अ यूजलेस लगाई, लेकिन नहीं, बट काम का है उसके लिए, पोटैटो के लिए. अब सुनो मेरी बात ध्यान से. Both of them are known for the storage of starch. दोनों स्टार्च का स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं अपने अपने अंदर. ठीक है, तो ये कॉमन चीज है दोनों के अंदर, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. Both are known for the storage of the starch. अब बात ऐसी है कि पोटैटो के अंदर ये जो स्टोरेज आपका होगा ना, इन पोटैटो व्हाट विल बी हैपनिंग, ये स्टोरेज आप करते हो स्टेम के अंदर. तो यू हैव अ मॉडिफाइड स्टेम, यू हैव अ मॉडिफाइड स्टेम, और उस स्टेम के अंदर आप करते हो स्टोरेज ऑफ स्टार्च. ऑन द अदर हैंड, जो आपके पास स्वीट पोटैटो है आपके पास, यहाँ पे स्टोरेज किया जाएगा मॉडिफाइड रूट के अंदर. तो यहाँ पे यू विल हैव अ मॉडिफाइड रूट्स, एंड मॉडिफाइड रूट्स के अंदर यू विल हैव स्टोरेज ऑफ स्टार्च इज बीन डन. सो मॉडिफाइड रूट्स के अंदर आप यहाँ पे करोगे अपने स्टोरेज का, स्टार्च का यहाँ पे. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है. फंक्शन यहाँ पे दोनों का सेम है. सो
सो फंक्शन ओवर हियर जो आपका यहाँ पे होगा स्टोरेज का, दोनों के अंदर आपका यहाँ पे रहेगा सेम, बट स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा. एक के अंदर आप स्टेम में कर रहे हो स्टोरेज, एक के अंदर आप रूट के अंदर कर रहे हो. सो दैट इज वाई दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई एनालॉजी. तो ये भी जो मेरी कहानी है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो स्टोरी ऑफ माई एनालॉजी. क्या आप सबको ये बात समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसी एनालॉजी का एग्जाम्पल ना? ये बात आप यहाँ पे रखना, एक के अंदर आप स्टेम में स्टोर कर रहे हो, एक के अंदर आप स्टोर कर रहे हो आपके स्वीट पोटैटो के अंदर. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माई एनालॉजी. तो ये चीज आपको यहाँ पे एड करनी है, राइट? सो कई सारे एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिया. स्टेटमेंट पढ़ लेते एक बार, स्टेटमेंट पढ़ते जो आप समझ जाओगे वैसे ही. सो व्हाट इज हैपनिंग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन अकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म आरंट क्लोजली रिलेटेड, जब ये साथ में कोई रिलेशन इनका यहाँ पे नहीं होता. एंड इवॉल्व सिमिलर फीचर्स और बिहेवियर्स ऑफन एज अ सॉल्यूशन टू द सेम प्रॉब्लम. सो कोई रिलेशन है नहीं दो एनिमल्स के बीच में, राइट? दे आर नॉट रिलेटेड एंड दे आर स्टिल इवॉल्विंग द सेम फीचर्स, क्योंकि दोनों को सेम रिक्वायरमेंट वहां पे है. In convergent evolution, two organisms look or behave in a very similar way, even though they are only distant related. मतलब उनका कोई relation है नहीं, वो distantly कहीं पर relation होगा, लेकिन उनका कोई they are unrelated over here right now. And this means they independently evolved those similarities rather than inheriting them from a common ancestor. तो ये दोनों की similarities आपकी independently evolve होती है, rather than coming from a common ancestor, जो आपको मिलता था homology के अंदर, but not in the analogy के अंदर. तो ये आपको स्टेटमेंट समझ आना चाहिए. अगर आपको कहानी समझ आ रही है, स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगा. ओके, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. दिस समथिंग वी हैव सीन. क्वेश्चंस हम लगाते हैं बाद में, ये क्वेश्चंस कुछ लगाने में यहाँ पे, चलो लगाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं अभी करते हैं. सो टेल मी समथिंग, ये तो हमने कर लिया था. इसका आंसर होता हैंड रेज करके. फ्लिपर ऑफ अ पेंगुइन एंड अ डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? क्विकली रेज योर हैंड टू आंसर दिस. ओके, नाउ टेल मी समथिंग. ओके, जस्ट वेट अ मिनट. ओके, ऑलराइट. हां जी, कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए. सर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. आप करो कन्वर्जेंट. आई जस्ट टेक वन मोर आंसर यहाँ पे. बताइए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? आसमा, क्या होगा इसका आंसर? सर, ऑप्शन बी. राइट सर, दिस राइट, दिस एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बहुत बढ़िया, राइट, दैट्स ट्रू. ठीक है, देन ये हम कर चुके थे दिस. अब ये ध्यान से करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द होमोलोगस टू द विंग ऑफ द बर्ड. अब विंग ऑफ द बर्ड में आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ. अगर मैं विंग ऑफ द बर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको मालूम चाहिए विंग कहाँ पे आता है. विंग ऑफ द बर्ड विल बी कमिंग इन द फोर लिम के अंदर. फोर लिम भी होता है ना बर्ड का, जो आपका कन्वर्ट किया जाता है विंग के अंदर. सो प्लीज, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट दे दिया है, सो दैट यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, सो विंग ऑफ द बर्ड इनके साथ किसके साथ यहाँ पे होमोलोगस होगा. और याद रखना होमोलोगस का डेफिनेशन, यू हैव अ सेम स्ट्रक्चर बट यू हैव अ डिफरेंट फंक्शन. सो नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर ओवर हियर. बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? बी. ओके, आपको ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है. पूजा, आपको क्या लग रहा है? पूजा डागर, आपको क्या लग रहा है? सर, ऑप्शन डी. नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा. विंग ऑफ अ मॉथ, बेटा पूजा सोचो, विंग ऑफ अ मॉथ और विंग ऑफ अ बर्ड आपका कैसे सेम होगा? विंग ऑफ अ मॉथ जो आपका होता है, क्या आप सोचो इस बात, मॉथ क्या होता है? आपका इंसेक्ट होता है, ठीक है, और बर्ड आपका बर्ड है, इट्स अ एव. तो क्या दोनों के विंग का स्ट्रक्चर आपका सेम होगा? यहाँ पे नहीं होगा. जो मौत का जो विंग होगा वो तो एकदम थिन प्रोटीन से बना हुआ होगा, और विंग जो बर्ड का होगा वो तो मसल्स और कई सारे होंगे. तो ये तो कभी आपका यहाँ पे हो नहीं सकता. बताइए किशोर, क्या होगा इसका आंसर? सर, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ही होगा यहाँ पे आपका सही आंसर. सो फ्लिपर ऑफ द व्हेल एंड अ विंग ऑफ द बर्ड आर गोइंग टू बी होमोलोगस ओवर देयर. बिकॉज यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर, आपका जो बोन्स का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी सेम. वो आपका यहाँ पे सेम होगा, इवन दो फंक्शन दोनों का यहाँ पे आपका अलग है. सो आई होप जिनको यहाँ पे डी लग रहा था, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, आपका ऑप्शन भी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. बिकॉज होमोलोगस मतलब यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट फंक्शन बट सेम स्ट्रक्चर, और इन दोनों के अंदर आपको यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर देखेंगे आपको मिल सकता है, बाकी कोई आपका यहाँ पे आंसर बनेगा नहीं. सो दैट विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 23. टेक योर टाइम, टेक योर 15 seconds, 15 seconds से ज्यादा इसको सॉल्व करने में लगने नहीं है ये क्वेश्चन को. बताइए सलम, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए. ऑप्शन डी. शिवानी कुमारी, आपको क्या लग रहा है? जल्दी बोला बेटा, जल्दी, टाइम नहीं है. इट इज योर ऑप्शन डी. यस, एनालॉगस जब भी टर्म आएगा, यू हैव टू गो विद अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं. So that is why you have to be sharp with them.
टेक योर 30 सेकेंड्स एंड बताओ इसका आंसर क्या होगा. लो अपने आराम से 30 सेकेंड्स लो एंड देन खुद से रीड करो क्वेश्चन को एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द पोटेंशियल आंसर इन दिस. द विंग ऑफ द बर्ड एंड द विंग ऑफ द इंसेक्ट आर व्हाट. डिंपल क्या लग रहा है. डिंपल बताइए. ऑलराइट आपकी आवाज नहीं आ रही डिंपल हमें. तमन्ना बताइए. तमन्ना बताइए क्या. ओके 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 आ गई आपकी आवाज. तमन्ना आपको क्या लग रहा है. डी ऑप्शन. डी ऑलराइट. एंजल चौहान. एंजल बाय द वे आप कल की क्लास में थे क्या. एंजल नो सर. बता दो बेटा क्यों नहीं आए थे. सर नेटवर्क इशू था. देख लेना पुराना लेक्चर देख लेना ठीक है. एंड बता दो आंसर बता दो अपना क्या होगा इसके अंदर आंसर आपका. सर डी. राइट सो यस दोनों जो आपके यहाँ पे एग्जांपल है दैट द एग्जांपल ऑफ एन एनालॉगस स्ट्रक्चर और वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. चलिए अब आगे पढ़ते हैं बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे सो दैट वी कैन हैव लुक एट देम लेटर. अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का. तो अब इसको हम स्टोरी की तरह देखते हैं कहानी है सुनो इसे ध्यान से. सो यू हैव अ मॉथ की स्पीशीज जिसका नाम है बिस्टेन बिटुलेरिया BETULARIA. सो दैट इज द स्पीशीज ऑफ अ मॉथ. ये एक आपकी मॉथ की स्पीशीज है बिस्टेन बिटुलेरिया करके आपका ये मॉथ का स्पीशीज है ठीक है. अब ये जो मौत की स्पीशीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना इसके दो वेरिएंट्स आपको मिलते हैं. ये जो मौत की स्पीशीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसके दो वेरिएंट्स आपको पॉपुलेशन में मिलते हैं. एक वेरिएंट आपका होता है ये व्हाइट कलर का और दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा यहाँ पे वो आपको मिलेगा आपका यहाँ पे डार्क कलर का या मैं कहूंगा ब्लैक कलर का. राइट सो वी कैन से मौत के लिए हम ब्लैक कलर बोल सकते हैं. राइट So you'll have a moth which will have a white color variant and you have a black color variant. Species same ही है but variant उसके दो है वहां पे. Right? अब ये कहानी जाती है लगभग 1950 के पहले की कहानी है. तो 1950s के पहले बिफोर देर वर एनी इंडस्ट्री इन यूके. यूके में बिफोर कोई इंडस्ट्री थी. सो इट वॉज प्री इंडस्ट्री एरा. सो आपका यहाँ पे है आपका यहाँ पे प्री इंडस्ट्री एरा है. अब प्री इंडस्ट्री एरा में आपको क्या मिलता था कि आपके पास ये दो वेरियंट्स थे और ये दोनों वेरिएंट्स जाके बैठे थे आपके ट्री के ऊपर. अब याद रखना जो आपके यहाँ पे जो ट्री है ना उस ट्री के ऊपर आपके लगे हुए हैं आपके कई सारे लाइकन्स. ये जो आपके ट्रीज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो टाइम पे जो आपके ट्रीज हुआ करते थे उसके ऊपर लगे होते थे आपके यहाँ पे लाइकन्स. सो यू यूज टू गेट टू सी ओवर देयर प्रिंट्स ऑफ द लाइकन्स. अब लाइकन्स पता है क्या होता है. लाइकन्स आपको होता है व्हाइट कलर का. लाइकन्स बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं. आई थिंक आपने से काफी लोग हिमाचल से जो लोग हिमाचल से उन्होंने लाइकन्स देखे होंगे वो ट्री पे लगे हुए. ट्री के ऊपर ये 1950s के पहले की बात है. इंडस्ट्रीज वहां पे बनी नहीं थी और इससे हो क्या रहा था अगर लाइकन्स आपके ट्री पे लगे हुए हैं पूरा व्हाइट का पूरा ट्री का ट्रंक आपका व्हाइट कलर का है तो जब उसके ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक मॉथ जाके बैठते थे उनमें से एक मॉथ आपका दिखता था और एक मॉथ आपको यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता था बिकॉज वो दिखता नहीं था वो हो रहा था कैमोफ्लेज. सो आप मुझे बताओ जब इस ट्री के ऊपर जाके व्हाइट एंड ब्लैक जाके बैठेगा तो कौन सा नहीं दिखेगा इसके अंदर. बिल्कुल सही बात है. व्हाइट वाला मॉथ मुझे यहाँ पे दिखेगा नहीं और जो ब्लैक वाला मेरा जो यहाँ पे दिखेगा जो आपको भी यहाँ पे दिख रहा है द ब्लैक मॉथ ओवर देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी विजिबल. ये आपका हमेशा यहाँ पे विजिबल रहेगा. अब क्योंकि मेरा यहाँ पे ब्लैक वाला मॉथ यहाँ पे मेरा विजिबल था तो उसके जैसे क्या हुआ बर्ड्स आके इसके ऊपर प्रे करने लगे. सो बर्ड्स प्रेइंग ऑन. सो बर्ड्स आते थे उड़ते हुए ब्लैक वाले को उठाते थे और निकल जाते थे. सो बर्ड्स यूज टू प्रे ऑन ब्लैक मॉथ. जो ब्लैक कलर का जो आपके यहाँ पे मॉथ था उसके ऊपर वो आके वहां पे प्रे करते थे उसको आके वहां पे खाते थे. तो ब्लैक वाले परेशान हो गए उनका पॉपुलेशन वहां पे कम हो गया. राइट ऑन द अदर हैंड जो व्हाइट मॉथ था मेरा यहाँ पे वो आपका दिखता भी नहीं था. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो शायद आपको अभी भी नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाइट मॉथ बैठा हुआ है. यहाँ पे व्हाइट मॉथ आपका बैठा हुआ है दिख रहा है. चलो अच्छी बात है बट इट्स वेरी इट्स समवन हु इज सीइंग ऑन द लाइकन्स. वो दिखता भी नहीं था आपको नहीं दिख रहा वो बर्ड जोड़ के जा रहा उसे कहाँ से दिखेगा. सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर.
तो यहाँ पे हुआ क्या ना, बिकॉज ऑफ दिस इनका पॉपुलेशन थोड़ा कम हो गया ब्लैक पोलो का, और व्हाइट का पॉपुलेशन वहां पर थोड़ा ज्यादा था. सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. अब याद रखना आपको यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ यू हैव दिस टू टाइप्स ऑफ मॉथ, या दो आपको यहाँ पे मिल जाए, दैट आर माय वेरिएंट्स. तो आपके पास यहाँ पे दो वेरिएंट्स हैं, एक है आपका व्हाइट वेरिएंट, एक है आपका यहाँ पे ब्लैक वेरिएंट. तो ब्लैक वेरिएंट को अभी तो कोई फायदा नहीं हो रहा. फायदा किसको हो रहा है? व्हाइट वेरिएंट को हो रहा है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट के अंदर कैमोफ्लेज हो रहा है वहां पे. ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है आप सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस स्टोरी? यस सर. यस सर. यस सर. अब कहानी थोड़ी यहाँ पे हम बदल देते हैं. ठीक है, अब थोड़ी कहानी को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं. नाउ यू हैव अ पोस्ट इंडस्ट्री एरा, राइट? सो नाउ यू हैव अ पोस्ट इंडस्ट्री एरा. अब आपकी इंडस्ट्रीज आपकी सेटअप हो चुकी है. सो नाउ यू हैव इंडस्ट्री, हैव अ पोस्ट इंडस्ट्री एरा. अगर आपकी इंडस्ट्रीज अगर आपके यहाँ पे सेटअप हो चुकी है, तो अब यहाँ पे चीज आपकी बदलेंगी. सो नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स अंडरस्टैंड. जब आपकी इंडस्ट्री आपके यहाँ पे सेट होगी यूके के अंदर, तो इंडस्ट्री से आप जानते हो आप कहेंगे यहाँ पे पोल्यूटेंट्स. इंडस्ट्रीज से अब आपके यहाँ पे आएंगे पोल्यूटेंट्स. अब जैसे इंडस्ट्रीज में से पोल्यूटेंट्स आने लगे, तो आस पास के फॉरेस्ट के अंदर क्या हुआ, आपकी जो लाइकन्स थी उनकी वहां पे हो गई डेथ. जितने भी आपके वहां पे लाइकन्स थे दे एक्चुअली डाइड. सारे लाइकन्स की वहां पे हो गई डेथ. अब जैसी आपके लाइकन्स की वहां पे डेथ हो गई, अब कंडीशंस आपकी चेंज हो जाती है. नाउ यू हैव अ ट्री ट्रंक विच इज गोइंग टू बी डार्क ब्राउन इन कलर. अब आपके पास जो ट्री ट्रंक है, नाउ यू हैव अ ट्री ट्रंक जो आपका यहाँ पे होगा डार्क ब्राउन कलर का, जो है यूजुअल इसका कलर होता है. सो ट्री ट्रंक आपका जो है इट इज गोइंग टू बी डार्किश इन कलर, क्योंकि लाइकन्स तो चले गए वहां से. अब जैसे ही आपका ट्री ट्रंक आपका डार्क कलर का वहां पे बन गया या रह गया ब्राउन, जैसे आपके लाइकन्स चले गए, सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब आपका जो ब्लैक कलर का मॉथ है वो अब आपको नहीं दिखेगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब कंडीशन आपकी बिल्कुल उल्टी हो गई. अब आपका जो ब्लैक कलर का यहाँ पे जो आपका मॉथ था, सो ब्लैक मॉथ जो आपके पास यहाँ पे है, नाउ दिस मॉथ इज नो लॉन्गर विजिबल. सो नाउ इट इज नॉट विजिबल. मतलब ये आपका हो रहा है कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज मतलब अपने बैकग्राउंड के साथ ही आपका मिक्स हो रहा है. और जो आपका जो व्हाइट कलर का जो आपका हमें मौत था, जो व्हाइट वेरिएंट जो आपका यहाँ पे था, अब ये आपको विजिबल हो जाएगा. यहाँ पे दूर से दिख जाएगा, कह रहे देखो वहां पे बैठा हुआ है वो. सो दैट इज समथिंग विच विल हैपन नाउ. अब आप समझ सकते हो अगर मेरा व्हाइट मौत अगर मेरा यहाँ पे विजिबल है, देन यू नो कि अब एडवांटेज किसको होगा यहाँ पे, हु विल बी ओवर हियर. ब्लैक मौत, बिल्कुल सब पलट गया यहाँ पे, पूरा गेम यहाँ पे चेंज हो गया. नाउ ब्लैक विल गेट बेनिफिटेड ओवर हियर, उसका पॉपुलेशन वहां पे मेंटेन रहेगा, और बर्ड्स आके खाएंगे व्हाइट वाले को. सो नाउ बर्ड्स विल कम, सो बर्ड्स विल प्रे ऑन व्हाइट वेरिएंट. व्हाइट वेरिएंट के ऊपर आके वो अपना यहाँ पे प्रे करेंगे. और जब ये ऐसा होगा तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, यू विल फाइंड कि व्हाइट का पॉपुलेशन आपका यहाँ पे अब थोड़ा कम हो जाएगा कंपेरेटिवली, और ब्लैक का पॉपुलेशन आपका यहाँ पे ज्यादा रहेगा. और यही चीज आप इस पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो. देख लो यहाँ पे जैसे ही लाइकन हट गए, अब सिर्फ व्हाइट और ब्लैक दिख रहा है आपको, और उसमें से भी आपको व्हाइट ज्यादा क्लियरली दिख रहा है. सेम चीज आपकी वहां पे हुई, एंड देन यू फाउंड कि व्हाइट का पॉल्यूशन आपके यहाँ पे कम हो गया, और ब्लैक का पॉल्यूशन आपको यहाँ पे काफी अच्छा मेंटेन रहा. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय इंडस्ट्रियल मेलनिज्म. ये है मेरी कहानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेलनिज्म की. अब इंडस्ट्रियल मेलनिज्म भी आपको बता रहा है अ स्टोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्योंकि आप देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलनिज्म के बारे में, तो आप ये चीज समझो कि आपके पास दो वेरिएंट्स थे, राइट? जैसी आपकी कंडीशंस चेंज हुई, एक वेरिएंट को फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ, एंड दैट इज योर नेचुरल सिलेक्शन. सो याद रखना इंडस्ट्रियल मेलनिज्म जो है आपका यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ माई नेचुरल सिलेक्शन. ये भी आपका एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल आपका यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का. आपके पास दो वेरिएंट्स आपके पास थे यहाँ पे, जैसे ही आपके एनवायरमेंट के अंदर कंडीशन चेंज हुई, जैसे एनवायरमेंट के अंदर पोल्यूटेंट्स आए, एक को नुकसान हुआ और एक को उसका सिलेक्टिव फायदा हुआ. सडनली आपका और ऊपर से कार्बन आ रहा है, तो और ट्री पे जाके लग रहा है, तो उससे और वो ब्लैक हो रहा है ट्री मेरा वहां पे पोल्यूटेंट्स की वजह से. सो दैट वाज आल्सो द एग्जांपल ऑफ माय नेचुरल सिलेक्शन. क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. जिसको समझ नहीं आ रहा बता दो, क्या नहीं समझ आ रहा बता दो, अरे बता दो एक बार. जिसको समझ नहीं आ रहा बोलो, कौन सा पार्ट समझ नहीं आ रहा बताइए. मुझे किसी का तो नो सुनाई दिया, या मुझे ऐसे ही सुनाई दिया. सी, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब भी आपके सामने इंडस्ट्रियल मेलनिज्म ये टर्म आएगा ना, पहले तो आप ये देख लो यहाँ पे, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग ओवर हियर. इंडस्ट्री के पहले यू आर हैविंग दिस टू वेरिएंट्स, और आपके ट्री के ऊपर आप यहाँ पे लाइकन्स लगे हुए. जैसे ही आपके यहाँ पे मौत आके बैठते थे, तो व्हाइट कलर को यहाँ पे फायदा होता था, बिकॉज वो आपके यहाँ पे कैमोफ्लेज हो रहा था, वो बिल्कुल आपका ब्लेंड हो रहा था आपके सराउंडिंग के साथ.
तो क्या हो रहा था, बर्ड्स आपके यहाँ पे आते थे और ब्लैक को उठा के निकल जाते थे, दे यूज्ड टू फीड ऑन द ब्लैक बर्ड ब्लैक मॉथ। ओके, तो यहाँ पे जो व्हाइट वेरियंट था इसको यहाँ पे फायदा हो रहा था। जैसी आपकी कंडीशन चेंज हुई, जैसे आपकी इंडस्ट्री सेटअप हुई, आपके पोल्यूटेंट्स का अमाउंट आपका बढ़ गया एनवायरमेंट के अंदर, लाइकन्स की वहां पे हुई डेथ, लाइकन्स की जो डेथ हुई हुई वहां पे ऊपर से ट्री ट्रंक के ऊपर और भी कार्बन जाके वहां पे लग रहा था और भी आपके पोल्यूटेंट्स जाके चिपक रहे थे। सो नाउ ट्री ट्रंक बिकम डार्कर इन कलर एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ब्लैक मॉथ मेरा यहाँ पे दिख नहीं रहा था, व्हाइट मॉथ मेरा यहाँ पे विजिबल हो पा रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरियंट है ब्लैक वेरियंट, उसको यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा था, ही वॉज गेटिंग बेनिफिटेड ओवर हियर। And that is when you were finding कि मेरे birds of prey जो यहाँ पे थे, birds जो यहाँ पे prey कर रहे थे, वो white कर रहे थे, not on the black one। बताइए दिशा क्या सवाल है आपका, बोलिए। Tell us दिशा, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए बोलिए। Okay, मेरी गलती से हो गया होगा। So that is my industrial millennialism। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, industry तो आपको term समझा रहे, millennialism यहाँ पे आपका क्या है। आपने 11th में एक, हाँ जी दिशा वापस ट्राई करिए बोलने का, आई कैन नॉट हेयर यू राइट नाउ। दिशा एक काम करिए, आप अपना सवाल आप चैट में पूछ लीजिए, ऐसा हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट। बोलो बेटा बोलो। सी है ना कि जो लाइकन्स होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आई लीफ लाइक, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट ठीक है ओके। नहीं बेटा आई वोंट से एग्जैक्टली लीफ लाइक जैसे होते हैं, बट काफी स्मॉल होते हैं, दे विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप एक्चुअली, ऐसा शेप आपको मिलेगा उसका, दे आर वेरी स्मॉल, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसी साइज के होते हैं, बट वो कई सारे इकट्ठा होकर रहते हैं ना, तो आप काफी बड़ा एक स्ट्रक्चर आपको वहां पे वो बन जाता है, इट लुक समथिंग लाइक दिस, एंड दे आर व्हाइटिश इन कलर, ग्रीनिश कलर के भी आपको मिल जाते हैं, येलोइश कलर के भी आपको मिल जाते हैं, दे सी ऑन द ट्री ट्रंक के ऊपर आपको मिलेंगे लगे हुए। समझ आ रहा है सर? ऑलराइट ठीक है, ओके ठीक है, आई होप दिशा इट्स क्लियर टू यू। अब याद रखना मेलानिन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेलानिन इज द पिगमेंट जो आपको देता है डार्कनिंग ऑफ स्किन, इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ स्किन। आपने सुना होगा जब आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर 22, लास्ट चैप्टर आपके 11th का, तो तब आपके सामने ये टर्म आता है मेलानिन करके, राइट, सो इट इज नोन फॉर द डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन कलरिंग, राइट, स्किन कलरिंग को डार्कर, डार्कनिंग ऑफ स्किन जो आपकी यहाँ पे होती है वो होती है आपको बताता हूँ मेलानिन। आपने वो लेपर्ड का नाम सुना है, बगीरा नाम के लेपर्ड का नाम सुना है? जो ब्लैक लेपर्ड होता है ना, इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं मेलेनिस्टिक लेपर्ड, हम बोलते हैं यहाँ पे मेलेनिस्टिक लेपर्ड, बिकॉज इसके अंदर मेलेन का पिगमेंट इतना ज्यादा होता है कि उसके जैसे ही आपका ब्लैक कलर का आपको यहाँ दिखता है, सो इसको हम इवन बोलते हैं मेलेनिस्टिक लेपर्ड, ठीक है। सो मेलेन का मतलब यहाँ समझे, इट इज नोन फॉर द डार्किंग ऑफ द स्किन, सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ओके। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और यहाँ पे आप इवन देख पा रहे हो व्हाट इज माय नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये जो पैराग्राफ पे एक बार आप खुद से एक बार पढ़ लेना, जो भी हमने इवोल्यूशन में पढ़ा था ना स्टोरीज को लेकर, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन बस यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अलग है। दे आर टॉकिंग अबाउट हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और जब इन्हें हम यूज करते हैं ज्यादा, सो आपके जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं दे बिकम रेजिस्टेंट, और जब वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं देन यू नो दे इवॉल्व, और जो भी आपको नए पॉपुलेशन आपको मिलेगा दे विल बी अडेप्टेड टू सर्वाइव इन दोस काइंड ऑफ कंडीशंस। तो ये आप खुद से एक बार देख सकते हो, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेटमेंट, वी कैन अंडरस्टैंड नाउ। अब ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से यहाँ पे समझो और समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दिस इज अ टर्म कॉल्ड एज माय अडेप्टिव रेडिएशन, तो चलिए इसको यहाँ पे हम समझते हैं, ओके। अब यहां पे क्या होगा ना, अज्यूम करो, अंडरस्टैंड द स्टोरी, यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यू हैव कॉमन एंसेस्टर, राइट, बेसिकली यू हैव सम बर्ड का पॉपुलेशन यहाँ पे, सो आपके पास यहाँ पे समझो, आपके पास यहाँ पे कई सारे बर्ड्स आपको मिल रहे हैं एंड दे आर ऑल सेम बर्ड्स, सो यहाँ पे आपको एक बर्ड्स का पॉपुलेशन आपके यहाँ मिल रहा है। अब ये जो मेरे यहाँ पे बर्ड्स है ना, ये बर्ड्स वहां पे ग्रो कर रहे हैं, एक जगह पे रह रहे हैं आराम से, खुशी खुशी यहाँ पे रह रहे हैं, और इनका पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बढ़ रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक जगह पे अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो आपका वहां पे फिर रिसोर्सेज के लिए आपको थोड़ा भागम दौड़ी करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू फाइट फॉर द रिसोर्सेज, राइट। तो बर्ड्स भी करेगी यार, इतने लोग बढ़ गए, पहले 10,000 थे, 50,000 हो गए वहां पे, सो नाउ रिसोर्सेज आर गोइंग टू बी लेस ओवर देयर। सो नाउ व्हाट दिस बर्ड डिसाइडेड कि हम यहाँ से कहीं और जाते हैं, वी हैव सम बर्ड्स ओवर देयर, और इनके आसपास कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं, सो अज्यूम दैट यू हैव सम आइलैंड्स सराउंडिंग द प्लेस, सो यू हैव सम आइलैंड्स
सराउंडिंग दैट एरिया। ठीक है, तो बर्ड्स का डिसाइड करते हैं कि चलो हम इसे छोड़ के हम जाते हैं आइलैंड्स के ऊपर, दूसरे आइलैंड्स के ऊपर। तो कुछ पॉपुलेशन था, समझो 5000 बर्ड्स आपके वहां पे थे, समझो यहाँ पे आपके पास अभी 50,000 बर्ड्स, राइट। सो 5000 बर्ड्स जो आपके वहां से थे वो आपके चले गए एक आइलैंड के ऊपर, सो दे वेंट टू दिस आइलैंड, समझो यहाँ दिस पॉपुलेशन ए। सो कुछ 5000 बर्ड्स आपके चले गए एक दूसरे आइलैंड के ऊपर, और कुछ आपके बर्ड्स थे यहाँ पे जो चले गए दूसरे आइलैंड के ऊपर, दिस इज माई पॉपुलेशन बी, राइट। सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंड, एंड सारे लोग अलग अलग आइलैंड पे आपके यहाँ पे चले गए, सब नहीं बट कई सारे बर्ड्स आपके निकल के दूसरे दूसरे आइलैंड पे चले गए। क्यों गए? बिकॉज उन्हें रिसोर्सेस कम पड़ रहे थे एंड दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू प्लेस टू स्टे, दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू प्लेस टू लिव, एंड दैट्स व्हाई दे वेंट टू डिफरेंट हैबिटेट। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जब मेरा पॉपुलेशन है यहाँ पे आता है, जब मेरा पॉपुलेशन है इतना दूर से उड़ उड़ के वहां पे पहुंचता है, उन्हें क्या पता चलता है कि यहाँ पे खाने के लिए हमारे पास है सिर्फ इंसेक्ट्स, यहाँ पे खाने के लिए इस आइलैंड के ऊपर हमारे पास सिर्फ इंसेक्ट है और कुछ नहीं है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, दीज बर्ड्स, ये जो मेरे बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये अडेप्ट करेंगे एज पर देयर फूड, जैसा उन्हें वहां पे खाने के लिए, अभी तक तो कुछ और खा रहे थे बट उन्हें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट मिल रहे, सो नाउ दे विल अडेप्ट एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द हैबिटेट ओवर देयर। तो अब क्या होगा, जब ये बर्ड्स यहाँ पे अडेप्ट करना चालू करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इनके अंदर चेंजेस आपको मिलेंगे देखते होते हुए, इनकी जो बीक होगी वो यहाँ पे आपकी चेंज होगी, सो नाउ दे आर अडेप्टिंग टू सर्वाइव ऑन द इंसेक्ट, वो कैसे अडेप्ट करे ताकि वो इसको खा सके, सो दे आर अडेप्टिंग टू सर्वाइव ऑन द इंसेक्ट। सो व्हाट विल हैपन, लगभग 100-200 साल के बाद क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन था ना जो मेरा आया था यहाँ से इस एरिया में से, ये पॉपुलेशन मेरा बन जाएगा एक अलग स्पीशीज, दिस विल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, ये बिल्कुल आपका एक डिफरेंट स्पीशीज आपका बन जाएगा। अब जब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे पकड़ के वापस ले आऊंगा ना यहाँ पे, अगर मैं इसे पकड़ के वापस से इस पॉपुलेशन के साथ मिक्स कर दूंगा तो वो मेटिंग नहीं करेंगे, दे विल नॉट अंडरटेक द मीटिंग, इवन दो ये यहां से आया था बेसिकली, लेकिन अब क्या हो चुका है, लगभग 100-200 साल के बाद क्या हो चुका है, दिस पॉपुलेशन हैज बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, और ये जो मेरी स्पीशीज अब बन चुकी है ना ए, ये अब सिर्फ इंसेक्ट ही खाएगी, दे विल फीड ऑन द इंसेक्ट बिकॉज इन्होंने अपने आप को उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया, और उसके साथ साथ यू विल फाइंड कि इनकी बीक भी वहां पे उस तरीके से बनी होगी, सो दे विल हैव अ बीक व्हिच विल फीड ऑन द इंसेक्ट, सो दे माइट हैव अ शार्प बीक, इनकी बीक काफी शार्प होगी ताकि इंसेक्ट को हम ट्री में से निकाल सकें, समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज इस पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे हुई। सिमिलरली जो पॉपुलेशन बी था वो भी साइलेंट के ऊपर गया, उसने वहां पे जाके क्या देखा कि यार उस आइलैंड के ऊपर तो मुझे सिर्फ वहां पे मिले फ्रूट्स खाने के लिए, उस आइलैंड पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक सर्टेन टाइप के फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं वहां पे खाने के लिए। सो व्हाट विल हैपन, नाउ दे विल इवॉल्व, नाउ दे विल अडैप्ट टू दोस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट के हिसाब से वो अपने आपको वहां पे अडैप्ट करेंगे, और कुछ सालों के बाद, कुछ मतलब 50, 100, 200 सालों के बाद, दिस पॉपुलेशन विल ऑल्सो बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, ये भी आपकी एक डिफरेंट स्पीशीज आपके यहाँ पे बन जाएगी, और ये स्पीशीज सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर कंज्यूम करेगी और वो उस हिसाब से वो अडेप्ट कर चुकी है, तो वहां पे भी उनके पास यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीक, उनके पास भी वहां पे आपको एक अलग ही टाइप की बीक आपको मिलेगी देखने के लिए, और सेम चीज पॉपुलेशन सी के साथ भी होगी, सेम चीज पॉपुलेशन डी के साथ भी होगी। तो हर एनवायरमेंट के अंदर आप समझो आपने अडेप्ट किया एज पर द एनवायरमेंट, आपने अडेप्ट किया एज पर द फूड रिसोर्सेज, आपने अपने आप को वहां पे अडेप्ट कराया, और उसके बाद यू बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर। और याद रखना जब मैं कह रहा हूँ कि अलग स्पीशीज बन जाती है, तो अगर मैं इसे वापस लेके आऊंगा ना यहाँ पे, ये लोग मीटिंग नहीं करेंगे, ये लोग मीटिंग नहीं करेंगे, इवन दो आप जानते हो कि ये आए इसमें से ही है, इनके कॉमन एंसेस्टर यही है, बट इवन दो इफ यू ब्रिंग देम बैक इन द सेम पॉपुलेशन, उनके बीच में रिप्रोडक्शन होते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेगा, बिकॉज वो अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं, दे हैव बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हो रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ अडैप्टिव रेडिएशन, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन, क्योंकि आप देख पा रहे हो वो लोग अडैप्ट कर रहे हैं एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द कंडीशन वो लोग अडैप्ट कर रहे हैं और रेडिएट कर रहे हैं, दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम द कॉमन पॉपुलेशन, दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम, देखो याद रखना, दे आर रेडिएटिंग मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर में से ये लोग आ रहे हैं, और अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन के निकल रही है। बेटा पॉपुलेशन नेम आपका यहाँ पे ये हो रहा है सना, कि पॉपुलेशन नेम जब मेरा यहाँ पे गया ना इस आइलैंड के ऊपर, तो उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे सिर्फ इंसेक्ट थे खाने के लिए और कुछ भी नहीं था, उस आइलैंड पे सिर्फ आपको इंसेक्ट मिल रहे थे, राइट, ट्रीज के अंदर सिर्फ आपको इंसेक्ट मिल रहे वहां पे। सो व्हाट हैपन, जो पॉपुलेशन वहां पे जाएगा वो पॉपुलेशन उस हिसाब से अपने आप को लाइक अडेप्ट करेगा इंसेक्ट खाने के लिए, ठीक है, समझो अगर 5000 बर्ड्स वहां पे गए तो जाएगी, और कुछ बर्ड्स होंगे वो अडेप्ट करेंगे एज पर दैट एनवायरमेंट एंड दे विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द इंसेक्ट।
अब क्योंकि आपको इंसेक्ट के ऊपर फीड करना है तो कई सालों के बाद आप उनका जब बीक देखोगे ना उनका शेप चेंज हो चुका होगा. द बीक विल बी मच मोर शार्पर ताकि आप ट्री के ट्रंक में से आप इंसेक्ट को निकाल पाओ. एंड आई कैन से दैट दिस विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज. आपकी वो पॉपुलेशन बिल्कुल एक अलग स्पीशीज बन चुकी होगी और अगर आप उसे वापस लेके भी आते हो ना यहाँ पे तब भी उनके बीच में अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी वो उन लोगों के साथ जो पहले यहाँ पे थे जो अभी भी वहां पे रह रहे होंगे. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज माई अडैप्टिव रिलेशन. अगर ये बात को लेके कोई सवाल है तो पूछ लो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन राइट नाउ. सो दिस कहानी इज कॉल्ड एज माई अडैप्टिव रेडिएशन. और ये होता है ना जब तो आपको एक तो नई स्पीशीज आपको मिल रही है राइट दैट इज वन थिंग व्हिच इज हैपनिंग. और एवरी इंडिविजुअल विल हैव सम ट्रेट्स उस हैबिटेट के हिसाब से. अब ये जो कहानी हम यहाँ पे सीख रहे हैं ये कहानी हमें सबसे पहले बताई गई थी चार्ल्स डार्विन ने जब वो गए थे घूमने के लिए गैलापागोस आइलैंड के ऊपर. घूमने तो नहीं कह सकता बट काम से जो गए थे वो 5 साल के काम से. सो द सेम थिंग हैपन इन द गैलापागोस आइलैंड के ऊपर. चार्ल्स डार्विन गए थे वहां पे और उन्होंने यही चीज होते वहां पे देखी थी. चलो इसको मैं वापस से समझाता हूँ. आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. यस सर. आपका यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड. अभी गैलापागोस आइलैंड आया कहाँ पे? ये आया साउथ अमेरिका के पास में. सो साउथ अमेरिका के पास में ये आपको आइलैंड आपको मिलेंगे. कोई बताएगा साउथ अमेरिका की एक दो कंट्री के नाम? सर ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू. वेरी गुड अंशिका एंड इशिता. राइट. ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इक्वाडोर. दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ माय साउथ अमेरिकन कंट्रीज. केप टाउन भी तो ऐसा है. अरे केप टाउन तो साउथ अफ्रीका में आया. वो भी साउथ अफ्रीका की कैपिटल है. साउथ अमेरिका इज अ डिफरेंट थिंग. अरे इट्स अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट. यूएसए के नीचे आता है या नॉर्थ अमेरिका के नीचे आता है आपका साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका मतलब आपका यूएसए कनाडा वाली जगह आ गई आपकी वो मैक्सिको यूएसए कनाडा. उसके नीचे आपका आता है साउथ अमेरिका जहाँ पे आपको मेसी मालूम है ना. मेसी आपका अर्जेंटीना से. सो ही इज फ्रॉम साउथ अमेरिका एक्चुअली. ठीक है. दैट इज योर साउथ अमेरिका. और वहां से उसके आस पास से आपके आपको आइलैंड्स मिलेंगे. उसके आस पास विल गेट दोज गैलापागोस आइलैंड्स. ठीक है. तो वहां पे आपको मिलता है गैलापागोस आइलैंड. तो ये जो साउथ अमेरिका है वो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे में बोलूंगा एज अ मेन लैंड. यहाँ से वो पॉपुलेशन गया होगा. दिस इज अ मेन लैंड और यहाँ से वो पॉपुलेशन उड़ उड़ के आपका गया था अलग अलग आइलैंड के ऊपर. सो फ्रॉम हियर ओनली द पॉपुलेशन वेंट टू डिफरेंट आइलैंड. और ये जो बर्ड्स थे ना जो ये उड़ के गए थे वहां पे इन बर्ड्स का यहाँ पे नाम है फिंचेस. दिस बर्ड्स आर कॉल्ड एज माय. अब क्योंकि उन्हें डार्विन ने सबसे पहले देखा था तो वी कॉल देम एज डार्विन फिंचेस. ये जो बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ दीज आर कॉल्ड एज माय डार्विन फिंचेस. कॉमन एंसेस्टर बट जैसे वो दूसरे आइलैंड पे जाके रहने लगे आफ्टर 50-100 ईयर्स दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज. तो हर एक पॉपुलेशन आपकी अलग स्पीशीज वहां पे जाके बन गई. सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर. देखो यहाँ पे. सो यू विल फाइंड ये जो मेरी स्पीशीज ये इंसेक्ट को खा सकती है सिर्फ. दीज आर द पॉपुलेशन व्हिच विल ईट ऑन द इंसेक्ट. देन यू हैव सम बर्ड्स ओवर हियर व्हिच आर गोइंग टू ईट ऑन द सीड्स. जो सीड्स को ही खाएंगे सिर्फ. सीड्स को ही कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि जो आइलैंड पे वो गए थे वहां पे सीड्स ही मिल रहे थे आपको वहां पे. कुछ बर्ड्स थे जो गए थे जिस आइलैंड पर वहां पे आपको सिर्फ कैक्टस के सीड्स और कैक्टस के प्लांट मिल रहे थे. तो दे अडैप्टेड एज पर देयर फूड ओवर देयर. और कुछ आपके बर्ड्स थे जिन्होंने अपने आपको अडैप्ट किया एज पर द फ्रूट्स जो आपको वहां पे मिल रहे थे खाने के लिए. तो आप देखोगे यहाँ पे इनका जो शेप होगा ना बीक का काफी अलग होगा. वो आपको इस पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यू कैन सी अ डिफरेंट शेप ऑफ द बीक ओवर देयर. और ये उस हिसाब से ही है जिस हिसाब से इन्होंने अपना खाना वहां पे चूज किया था एज पर द एनवायरमेंट दे हैव इवॉल्वड. As per the environment, as per the food, as per the conditions. So this is also a very good example of evolution, adaptive radiation, and even the very good example of speciation. यहाँ पे आपका species बन रहा है. जब भी आपका कोई नया species बनता है ना उसको हम बोलते हैं speciation. Speciation का मतलब होता है formation of new species. याद रखना इस term का मतलब आपको यहाँ पे होता है formation of new species. Formation of न्यू स्पीशीज. ठीक है. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पीसिएशन. राइट. चलो तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ. दिस वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस इज गुड बी योर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. आई होप यहाँ अब तक चीज आपको समझ आ रही है जो अभी तक बताया. हाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन पूछ लो. हाँ ठीक है. तो अंतरित बताइए क्या सवाल आपका. बोलिए बताइए. तो अनप्रीत बताइए. बोलो. जैसे आपने बोला ना कि
जो डार्विन थे उन्होंने ये बर्स्ट एंड देन चेंज देखा था, तो सर ये चेंज तो 100 सालों के बाद नहीं आ रहा, वापस इतनी बोलना। जल्दी थोड़ी आ जाएगा कि वो इतनी अच्छा जल्दी अच्छा चेंज अच्छा हो हाँ अच्छा जाएगा। सर हाँ मैं समझ रहा मतलब हूँ, हाँ, तो काफी मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक आप ये कह रहे हो कि डार्विन ने ऐसे कैसे बोल दिया कि ये यहाँ से वहां गए थे और ये इसलिए चेंज हुए क्योंकि वहां का फूड अलग सर था नहीं, मतलब इतने। वो हाँ 100 साल थोड़ी जिया होगा, हाँ तो मैं आई अंडरस्टैंड वन मतलब थिंग, उसने ये जो बताया ना, उसने जो थ्योरी आगे रखी, उसने स्टडी किया, उसने क्या किया, वो गया मेन लैंड के ऊपर, मतलब साउथ अफ्रीका के एरिया पे वो गया, उसने देखा कि उसे वहां पे फिंचेस दिख रही है, ठीक है। अब उसके बाद वो सारे आइलैंड पे गया, गैलापागोस के सारे आइलैंड पे जो गया, तो उसने देखा कि यार वो बर्ड जो मैंने देखी थी ऑलमोस्ट वैसी ही बर्ड है ये, लेकिन उसके चेंजेस है थोड़े यहाँ पे। क्या चेंजेस उसने वहां पे देखे, कि उसके बीक का शेप वहां पे अलग है। फिर उसने उन्हें वहां पे स्टडी किया और उसने देखा कि यार ये वाला जो बर्ड है मेरा आइलैंड ए पे, जो मेरा यहाँ पे जो बर्ड है वो खा रहा है मेरा यहाँ पे सिर्फ इंसेक्ट को। फिर वो आइलैंड बी पे गया था, तो उसने कहा कि यार यहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो सिर्फ फ्रूट को खा रहे हैं और इनमें काफी सारे कॉमन ट्रेट्स है एंसेस्टर्स के साथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंफॉर्मेशन ही सेड दैट कि ऐसा हुआ है वहां पे, उसने होते हुए नहीं देखा। ही एक्चुअली पुट हिज थ्योरी फॉरवर्ड कि ऐसा हुआ है दैट वी हैव मेन पॉपुलेशन इन द सदर्न अमेरिका मेन लैंड में, और वहां से कई सारी पॉपुलेशन यहाँ पे आके बर्ड्स के यहाँ पे रह रही है, राइट, एंड दे हैव इवॉल्व एज पर द फूड। दैट्स व्हेन ही सेड दैट, उसने पूरा वो स्टडी नहीं किया 100 साल बैठ के। वैसे आप कभी नहीं कर सकते, अगर आप भी अगर कहते हो ना दैट वी हैव टू बिकम एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इट्स समथिंग व्हिच टेक्स नंबर ऑफ इयर्स टू डू द रिसर्च, राइट, बट या ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी, आई होप इट्स क्लियर टू यू तमन्ना, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में, दैट क्या है ये और क्या करते हैं। अब जब मैं मार्सुपियल्स की बात करता हूँ ना, तो कुछ एग्जाम्पल तो आपके दिमाग में वैसे आने चाहिए। मार्सुपियल मतलब जिनके पास पाउच होता है, मार्सुपियल्स इज अ सिंपल टर्म फॉर एनिमल्स जो हम लोग पाउच, राइट। ऐसे ही आपने अपने हाँ एनिमल किंगडम में भी आपने इसको पढ़ा होगा, देखा होगा। So, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ सकते हैं, समथिंग लाइक कैंगारू, जो नेशनल एनिमल है आपके ऑस्ट्रेलिया का। देन यू हैव समथिंग लाइक योर कुआला, कुआला भी आपने देखा होगा, उन्हीं पेड़ पे बैठा हुआ होता है, क्यूट सा होता है, बेर जैसा, बड़ी सी नोज होती है, हाँ दैट्स कुआला, राइट। बट वो एक्चुअली उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, एग्रेसिव होता है वो। ओके, सो यू हैव अ कोआला, यू हैव अ कंगारू, देन यू हैव समथिंग लाइक योर वॉम्बैट, एक वॉम्बैट नाम का होता है, ये शायद आपने देखा नहीं होगा। वॉम्बैट बरोइंग एनिमल होता है, बरोइंग होता है ये, और ये आपको मिलेगा आपका बरो के अंदर मिलता है, बड़ा सा होता है, इट्स लाइक अ बिग एनिमल लिव्स इन द बरो। देन यू हैव समथिंग लाइक योर तास्मेनियन डेविल, एक और एक कार्निवर होता है, इट्स कॉल्ड एज माय तास्मेनियन, तास्मेनियन डेविल, ब्लैक कलर का होता है, कार्निवर होता है, और ये नॉक्टर्नल होता है, ठीक है। तो ये सारे एनिमल्स आपको, कंगारू आपको मिलता है बेसिकली ओपन एरिया के अंदर, जैसे ग्रासेस वाला जो खुला मैदान होगा ना वहां पे आपको कंगारूज आपको मिल जाएंगे। कुआला आपको मिलेगा ट्री के ऊपर, सो कुआला इज समथिंग विच विल ऑलवेज बीन सीन ऑन अ ट्री। वॉम्बैट आपको होता है बरोइंग एनिमल, ये आपको मिलता है बरो के अंदर, और तास्मेनियन डेविल आपको मिलता है आपका, यू फाइंड देम इन द नॉक्टर्नल है ये, और ये कार्निवरस है, सो ये रात को एक्टिव होता है और ये हंट करता है, ठीक है। So these are the four example I am giving you. These are the example of my marsupials, right? अब आप ये चीज को समझो यहाँ पे। आपके पास अगेन यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, अगेन यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर ओवर हियर, राइट। सो दे मस्ट बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर आपके सामने यहाँ पे होगा, कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर आपका रहा होगा, और उनमें से आपके इतने सारे मार्सुपियल बने। अब कैसे बने, अब एक पॉपुलेशन होगा आपके मार्सुपियल्स का जो जाके रहने लगा होगा ग्रेजिंग वाले एरिया के अंदर या ओपन फील्ड्स में जाके वो रहने लगा। सो ओपन फील्ड एक हैबिटेट है, वहां पे जाके वो रहने लगा, और जब वो वहां पे जाके रहने लगा इट टर्न इनटू अ कंगारू। तो वहां पे उसने आपको वहां अपने आप वहां पे अडेप्ट किया और उस एनिमल को हम जानते हैं एज अ कंगारू, ठीक है। कुछ मार्सुपियल्स होंगे आपके जो जाके उन्होंने डिसाइड किया कि हम पेड़ों पे जाके रहेंगे, वी विल सिट एंड लिव ऑन द ट्री, सो दे बेसिकली डिसाइडेड टू बिकम द आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब एक सेकंड रुकना बेटा, आर्बोरियल मतलब जो पेड़ों पे जाके रहता है। तो अगर मेरे कुछ मार्सुपियल जाके पेड़ों पे जाके रहने लगे, सो 50, 100, 200 सालों के बाद दे इवॉल्व टू लिव ऑन द ट्रीज एंड नाउ अपेरेंटली दे आर कॉल्ड एज माय, उनको हम कहते हैं यहाँ एज अ कोआला। बताइए अंशिका शर्मा, क्या सवाल है आपका, बोलिए। अच्छा नहीं है सवाल, ओके ठीक है। सो यू हैव अ कोआला ओवर हियर, ठीक है। कोआला इज एग्जांपल, वो उस हैबिटेट के हिसाब से इवॉल्व किया है, समझो इस बात को। कोआला पेड़ों पे ही आपको मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी आर्बोरियल, राइट।
देन यू हैव एग्जाम्पल ऑफ योर बरोइंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स से जो बरो में रहना प्रेफर करते थे, जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है, जो बरो में रहना प्रेफर करते थे, नाउ अपेरेंटली उनको हम जानते हैं एज अ वॉम्बैट, दे आर कॉल्ड एज माय वॉम्बैट ओवर देयर, एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक माय टास्मेनियन डेविल, जो आपका नॉक्टर्नल होता है, राइट? सो वी हैव सम एनिमल्स जिन्होंने बोला कि हम लोग नॉक्टर्नल रहेंगे एंड हम लोग होंगे कार्निवर, तो वो है मेरा यहाँ पे टास्मेनियन डेविल। तो अब ये बात समझो, यहाँ पे भी पता है क्या हुआ, यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर और उस कॉमन एंसेस्टर में से आपकी पॉपुलेशन ने एज पर द हैबिटेट अपने आप को वहां पे इवॉल्व किया। सो अगर कुछ पॉपुलेशन गया तो ओपन फील्ड के अंदर, उन्होंने वहां पे रहना चालू किया एंड आफ्टर सम टाइम दे बिकेम ए कंगारू, राइट? अब कंगारू अगर आप देखोगे तो वो जंप करता है, यू नो दैट कंगारू हॉप करके आगे बढ़ता है, और ये हॉप तभी कर सकता है बिकॉज इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया, तो अगर उसे भागना पड़ेगा तो वो हॉप करते हुए वहां से भागेगा, ठीक है? अब उसी तरीके से अगर आप देखोगे अगर कुआला को, तो कुआला के पास इतने लंबे पैर नहीं होते क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आप आर्बोरियल हो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग क्लॉज, आपको ये स्ट्रॉन्ग क्लॉज ताकि आप पेड़ को पकड़ के रख सको, तो दे विल हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लॉज जिसकी मदद से वो लोग पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। सो दैट इज द अडेप्टेशन एज पर द हैबिटेट। इनका भी अडेप्टेशन कैसा है इन टर्म्स ऑफ देयर हैबिटेट। बर्रोइंग एनिमल वॉम्बैट, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं ताकि वो खोद के अंदर जा सके, राइट? सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर। तो आप ये बात को समझो, एज पर द एनवायरमेंट, एज पर द कंडीशन, इन लोग के अंदर इवोल्यूशन हुआ एंड दे बिकेम ए डिफरेंट स्पीशीज। तो एक कॉमन एंसेस्टर में से आपके पास इतनी सारी अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही है, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई अडेप्टिव रेडिएशन। तो ये भी मेरा यहाँ पे बनेगा एग्जाम्पल ऑफ माई अडेप्टिव रेडिएशन। अब एनसीईआरटी में ना कुछ चीजें मेंशन सही से नहीं की हुई, तो इस बात को आप यहाँ पे समझो। ये मेरा एग्जाम्पल हो गया मेरे अडेप्टिव रेडिएशन का, क्या इतनी बार आपको समझ आया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन। अब एक और बात यहां पे समझो, अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। आपको यहां पे क्या दिख रहा है, यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर और उसमें से यू आर फाइंडिंग एज पर द हैबिटेट यू हैव डिफरेंट स्पीशीज आर गेटिंग फॉर्मड, अलग अलग स्पीशीज आपके यहाँ पे बन रही है उस हैबिटेट के अंदर जाने के बाद, बट एंसेस्टर आपका यहाँ पे कॉमन है। अब थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाओ, When you have a common ancestor, और जब उसमें से आपको अलग अलग स्पीशीज बनते हुए मिलती है, और यू हैव स्पीशीज formed as per the habitat, as per the requirement, उसके हिसाब से adapt करके अगर आपको अलग अलग स्पीशीज बनते हुए आपको मिल रही है, तो क्या ये मेरा divergent evolution का example बन सकता है मेरा यहाँ पे? Yes, sir. This will also become example of my divergent evolution. This will also become the example of my divergent evolution. आप समझो इस बात को, ये मेरा बनेगा यहाँ पे example मेरे divergent evolution का, और यही चीज तो मिलती है divergent evolution के अंदर आपको। Common ancestor में से you are finding different species getting formed as per their habitat, as per their requirement, वो वहाँ पे evolve करते थे, and that is the story of my divergent evolution. तो याद रखना, ये वाला example है मेरा divergent evolution का, even ये वाला जो मेरा example है यहाँ पे, this is also example of my divergent evolution. This is also the example of my divergent evolution. Diverge हो रहे हैं, एक common ancestor में से सब diverge हो रहे हैं यहाँ पे. This is also example of my divergent evolution. ठीक है? तो क्या ये दो कहानी आपको समझ आ रही है? So that I can move on to next story. I hope these two stories are clear to you. Yes, story of my Darwin finches and story of my your Australian marsupials. अब मैं आपको जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना. यहाँ पे थोड़ा आपको attention देना पड़ेगा because ये एनसाइड में मेंशन नहीं है, और बिना अटेंशन दिए आप ये समझ नहीं पाओगे, राइट? एनसाइड में वो डायरेक्टली समझाएगा जो एकदम से पता नहीं चलता वो लोग क्या कर रहे हैं। सो नाउ पे अटेंशन ओवर देयर। सी, पहली बात, मार्सुपियल्स होते हैं जिनके पास पाउच होता है, हम लोग मार्सुपियल्स नहीं है, हम है प्लेसेंटल मैमल्स। मैं हो गया, गाय, भैंस, बकरी, डॉग, कैट, लेपर्ड, लायन, एलिफेंट, ऑल आर गोइंग टू बी योर प्लेसेंटल मैमल्स। दैट मींस हमारा जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसे नरिशमेंट मिलता है प्लेसेंटा से, राइट? मार्सुपियल्स के पास प्लेसेंटा नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर इन अ डिफरेंट ग्रुप, दैट्स व्हाई यू कॉल देम मार्सुपियल्स, जिनका प्लेसेंटा नहीं होता, यहाँ पे डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, ओके? सो याद रखना, यू हैव प्लेसेंटल मैमल्स एंड यू हैव मार्सुपियल मैमल्स, ये पहले टर्म्स आप क्लियर रखो, ओके? नाउ अब ये कहानी को आप सुनो यहाँ पे, अज्यूम दैट यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मार्सुपियल्स, आपके पास ये ट्रायंगल ट्रायंगल जो है यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे मार्सुपियल मैमल्स, दीज आर माय marsupials mammals, राइट? कोई नाम नहीं दे रहा, बस समझ लो कि कुछ मेरे मार्सुपियल मैमल्स हैं आज से 200 साल पहले,
200 नहीं 1000 साल पहले, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे मैंने बना दिया यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ बना दिया मेरे यहाँ पे दूसरे टाइप के मैमल्स जो है मेरे यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स, स्क्वायर स्क्वायर जो मेरे यहाँ पे, ये मेरे यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स सारे जैसे आज से 1000 साल पहले, ठीक है। ये दोनों मैमल्स जो है आपके यहाँ पे, एक मार्सुपियल एक प्लेसेंटल है, मैं कोई नाम नहीं यूज कर रहा यहाँ पे, ये मेरे कुछ एनिमल्स है यहाँ पे जो मेरे एक हैबिटेट में रह रहे हैं, ये दोनों एक हैबिटेट के यहाँ पे आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। अब तुम ऐसा सोचो कि उस हैबिटेट के अंदर कुछ हो गया, कुछ हो गया मतलब समझो सूखा पड़ गया, मतलब वहां पे बारिश नहीं गिरी 3 साल से, एंड नाउ द हैबिटेट इज नो लॉन्गर सुटेबल टू लिव, वहां पे आप रह नहीं सकते। कहानी को समझो, दोनों पॉपुलेशन एक जगह पे रह रही थी लेकिन वहां पे सूखा पड़ गया, तो अब दोनों पॉपुलेशन वहां पे रह नहीं सकती, तो अब आपका क्या होगा, पॉपुलेशन क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। सो नाउ दे विल डिसाइड कि अब हमें यहाँ पे रह नहीं सकते, हम माइग्रेट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कुछ नंबर ऑफ मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स एक जगह पे आ जाएंगे विच इज माई हैबिटेट ए, समझो ये लोग मेरे आ गए, इस कुछ पॉपुलेशन मेरा आ गया यहाँ पे हैबिटेट ए के अंदर। तो अज्यूम करते हैं कि हैबिटेट ए में मेरा यहाँ पे आया पॉपुलेशन मार्सुपियल्स का, और कुछ नंबर मेरा यहाँ पे इवन आ गया, थोड़ा सा नंबर मेरा इवन आ गया यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स का, ठीक है। और कुछ नंबर ने बोला कि हम ए में नहीं जाएंगे, हम कहीं और जाते हैं, कुछ पॉपुलेशन यहां से चला गया किसी दूसरे एरिया के अंदर, उसे हम बोलेंगे हैबिटेट बी। हैबिटेट बी में जब ये वहां पे गया, तो वहां पे यू आर फाइंडिंग अगेन यू हैव सम, कुछ वहां पे पहुंच गए प्लेसेंटल मैमल्स और कुछ मार्सुपियल्स भी आपके यहां पे पहुंच गए। तो आप समझ पा रहे हो कि यहां पे डिवीजन आपका हो चुका है, दोनों अलग अलग हैबिटेट में आप यहां पे जा चुके हैं, ठीक है, दोनों वहां पे जा चुके हैं। और याद रखना मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स दोनों अनरिलेटेड हैं, they are not related to each other, ठीक है, दोनों बिल्कुल separate group है, तो यार इतना both of them would be unrelated, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आ रही है आप सबको, is this story clear to all of you यहाँ तक? Yes, sir. देखो यहाँ, yes sir. अब मेरा habitat A है, जो मेरा habitat A ना यहाँ पे, जैसे ही ये population यहाँ पे आया, जैसे ही मेरे marsupials और placental mammals यहाँ पे आए ना, उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं खास, यहाँ पे आपको सिर्फ मिल रहा है देखने के लिए आपकी चींटियां, यहाँ पे खाने के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ चीटियां, ओनली एंड्स आर आई कैन सी ओवर देयर। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब इनके अंदर होगा आपका यहाँ पे अडेप्टेशन, जो मेरे मार्सुपियल मैमल्स होंगे अब ये अडेप्ट करेंगे, ये यहाँ पे अडेप्ट करेंगे, एंड दे विल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, जो यहाँ पे चीटी को खाएगी। प्लेसेंटल मैमल मेरे यहाँ पे अब अडेप्ट करेंगे, एंड दे विल बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज जो चीटी को खाएगी। अब देखो इस बात को समझो, यहाँ पे दोनों के अंदर आपको कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेगी, क्या मिलेगा कॉमन, अब दोनों जो एनिमल यहाँ पे डेवलप करेंगे ना, इवॉल्व करेंगे, जो अडेप्ट करेंगे, उनके पास होगा एक लंबी सी नाक, और आई वुड से दे विल हैव अ लॉन्ग स्नाउट, और उनके पास होगी लंबी सी जीभ, दे विल हैव अ लॉन्ग टंग। हैविंग अ लॉन्ग टंग एंड हैविंग अ लॉन्ग स्नाउट, उसका फायदा पता है क्या होता है, आप बरों में से चींटियों को निकाल सकते हो, आप बरों में से चींटियों को निकाल सकते हो। और ये जो दो कैरेक्टर है, ये दोनों के अंदर आपको डेवलप होते हुए आपको मिलेंगे। सो दे विल हैव अ लॉन्ग स्नाउट, बोथ ऑफ देम, दोनों के अंदर You will find long snout आपको मिलेगा, long snout आपको, snout मतलब आपका मुंह का पार्ट, long snout, and they will have a long tongue। ये दोनों के अंदर आपको इवॉल्व होते हुए मिलेगा। और ये जो मेरा प्लेसेंटल मैमल होगा, ये मेरा बन जाएगा कुछ सालों के बाद मेरा एंटीटर, एक एनिमल होता है जो आपने शायद सुना होगा। अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये बताओ पहले मुझे, स्क्रीन दिख रही है आप सबको या नहीं दिख रही है? गूगल पे सर्च कर लेना, वो जो एनिमल होता है ना, उसकी लंबी सी नाक होती है, लंबा स्नाउट होता है, वो अपना बरों में से अपना निकालता है अपना एंड्स को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपके यहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो आपके जो मार्सुपियल मैमल्स है, दे विल टर्न इनटू अ स्पीशीज कॉल्ड एज माय निम्बैट। निम्बैट एक ऐसा मार्सुपियल होता है जिसका स्नाउट लंबा सा होता है, उसके पास भी एक लंबी सी टंग होती है, राइट। अब आप देखो दोनों के अंदर आपको यहाँ पे कॉमन ट्रेट आपको मिल जाएगा, ये कॉमन ट्रेट आपको क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज दोनों को एक ही चीज खानी है, दोनों को यहाँ पे एक ही चीज खानी है, दैट्स गोइंग टू बी एंड। सो बोथ ऑफ देम हैव अ सेम इवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है, दोनों के अंदर सेम ट्रेट का इवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। बट आप मुझे बताओ क्या ये दोनों पॉपुलेशन रिलेटेड है या नहीं है, ये मुझे बताओ, क्या मार्स, मुझे ये बताओ क्या मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स क्या रिलेटेड है या नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आर दे रिलेटेड,
अनरिलेटेड, दोनों के दोनों पॉपुलेशन मेरे यहाँ पे अनरिलेटेड है. बोथ द पॉपुलेशन ओवर देयर आर गोइंग टू बी अनरिलेटेड ओवर हियर. ठीक है यार, मैं दोनों पॉपुलेशन जो मेरे यहाँ पे है वो मेरे यहाँ पे अनरिलेटेड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो हम दिमाग अनरिलेटेड. तो चलो हमने यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देख ली. नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल ओवर हियर. एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको मैं देता हूँ. बी में जो आए थे यहाँ पे, बी में जब ये लोग आए इनको पता चला कि यार जमीन पे नहीं रह सकते, जमीन पे रहना थोड़ा रिस्की है. फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाकर रहेंगे पेड़ों के ऊपर. पेड़ों पे हम रहेंगे और वहां पे हम ग्लाइड भी करेंगे, उड़ेंगे भी, ग्लाइडिंग करेंगे. ग्लाइडिंग आपने ये टर्म सुना होगा, पता है अगर आप हिमाचल से हो तो बिरबिलिंग में पता है वो कराया जाता है. What you call it as the gliding which you do in the beginning, paragliding जो आपको कराया जाता है वहाँ पे. तो वैसे yes sir. उन्होंने टीवी पे देखा होगा पैराग्लाइडिंग करते हैं, तो उसमें होता है कि आप उड़ नहीं रहे होते हो, आप ग्लाइड कर रहे होते हो. तो वैसे ही पता है इन्होंने, इन एनिमल्स ने जब वहां पे गए तो दे डिसाइडेड कि अब हम रहेंगे यहाँ पे ट्री के ऊपर. सो दे डिसाइडेड दैट दे विल लिव ऑन ट्री, आर्बोरियल. अब उन्होंने क्यों बोला कि हम आर्बोरियल बनेंगे वहां पे, क्योंकि वो लोग नीचे रहना काफी रिस्की था, काफी सारे वहां पे वाइल्ड एनिमल्स थे जो उन्हें खा सकते थे. सो दे डिसाइडेड टू लिव ऑन द आर्बोरियल. अब जब उन्हें डिसाइड किया कि वो आर्बोरियल बनना चाहते हैं तो उनके अंदर वैसे कैरेक्टर इवॉल्व करेंगे. मेरा जो मार्सुपियल है उसके अंदर मुझे मिलेगा ग्लाइडिंग करने वाला पोटेंशियल, तो ग्लाइडिंग करने का पोटेंशियल वहां पे आपको मिल जाएगा. सिमिलरली आपका जो प्लेसेंटा मैमल है आपके यहाँ पे ग्लाइडिंग करने वाले ट्रेट्स आपके यहाँ मिलेंगे. सो इवन इन दे विल हैव द ट्रेट्स ऑफ ग्लाइडिंग, ट्रेट्स आपके यहाँ मिलेंगे. ग्लाइड करना मतलब आप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आप ग्लाइड करके आप जा रहे हो. ठीक है, सो ग्लाइडिंग ट्रेट्स आपको दोनों के अंदर मिलेंगे देखने के लिए. एक पॉपुलेशन जो आपका प्लेसेंटल मैमल्स का है वो बनेगा आपका फ्लाइंग स्क्विरल. दिस विल बिकम माय फ्लाइंग स्क्विरल, जो एक्चुअली में फ्लाई नहीं कर रहा होता, वो ग्लाइड कर रहा होता है. और दूसरा पॉपुलेशन आपको बनेगा यहाँ पे फेलेंजर. दूसरा आपका जो मार्सुपियल जो पॉपुलेशन है ना आपका यहाँ पे, इट विल बिकम माय फेलेंजर. दिस विल बिकम फेलेंजर भी आपका एक स्क्विरल जैसे ही होता है और वो भी ग्लाइड करता है पेड़ों के ऊपर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ को ग्लाइड करके वो जाता है. So this will become a flanger over here and this will become a flying squirrel. अब आप ये आपको याद ही रखना है, नाम से ज्यादा आपको याद ही रखना है कि दोनों के अंदर कॉमन ट्रेट आपको मिलेगा ग्रो करते हुए. दोनों के अंदर कॉमन ट्रेट आपको इवॉल्व होते हुए आपको दिखेगा एज पर द हैबिटेट. बट क्या दोनों यहाँ पे रिलेटेड है, वन इज मार्सुपियल वन इज प्लेसेंटल, क्या ये दोनों यहाँ पे रिलेटेड है? No, sir. Both of them are not related. अब ये बात आप यहाँ पे समझो. Now understand this thing. अब मुझे आप बताओ, जब आपको मिलता है यू हैव अ स्पीशीज ए, यू हैव अ स्पीशीज बी, दोनों के दोनों आपके यहाँ पे अनरिलेटेड, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी अनरिलेटेड ओवर देयर. अगर मेरी दोनों स्पीशीज अनरिलेटेड है दैट मींस दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर, दैट मींस दे हैव नो कॉमन एंसेस्टर. अगर इन दोनों के पास कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है और अगर ये इंडिपेंडेंटली एक नया ट्रेड बनाते हैं जो दोनों के अंदर सेम होगा. So, इन दोनों के अंदर एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन रहा है, जैसे ग्लाइडिंग का यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, राइट? यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बन रहा है ग्लाइडिंग का, ठीक है? तो यू हैव अ कॉमन ट्रेट ओवर हियर. आप मुझे बताओ ये कहानी कौन सी कहानी यहाँ पे बन रही है जहां पे आपका कॉमन एंसेस्टर आपके पास है नहीं और दो स्पीशीज इंडिपेंडेंटली आपकी इवॉल्व कर रही है एंड देयर मेकिंग इट अ डिफरेंट स्पीशीज जिसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन ट्रेट है. सो कैन आई से वी हैव अ कॉमन फंक्शन एंड वी हैव अ कन्वर्जेंट? This is a story of my convergent evolution. Right. ये है मेरी यहाँ पे कहानी, मेरे यहाँ पे convergent evolution की, जहाँ पे you have no common ancestor, but you are finding आपके पास ऐसे traits आपको मिल रहे which are going to be common, even though दोनों population आपके यहाँ पे अलग है. A भी यहाँ पे मेरा बिल्कुल अलग है यहाँ पे, B भी मेरा यहाँ पे बिल्कुल अलग है, but I am finding still common characters मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. This is a story of my convergent evolution. और यही चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल रही है. द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे जो आपको होते हुए आपको मिल रहा है दैट इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो याद रखना आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इस तरीके से होते हुए आपको मिल सकता है. ठीक है, अडैप्टिव रिलेशन की जब हम बात करते हैं, जब आपके सामने ये पिक्चर आ रही है ना, दिस इज द स्टोरी ऑफ माय डायवर्जेंट इवोल्यूशन. ये तो मेरी पिक्चर है आपके यहाँ पे डायवर्जेंट की, ये तो मैं सिंपली कह सकता हूँ इज अ पिक्चर ऑफ माय डायवर्जेंट इवोल्यूशन. बट जब मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स की जब मैं बात करता हूँ ना, that can become a very good example of my convergent evolution, जहाँ पे दोनों common traits आपको वहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. अब ये NCERT की line है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं एक बार, अभी आपको समझ आएगी. NCERT की line आपको यहाँ पे ये कह रही है, when more than one adaptive radiation appear to have occurred
इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, एक सिंगल हैबिटेट के अंदर जब एक से ज्यादा अडेप्टिव एडिशन अगर आपका वहां पे हो रहा हो, वन कैन कॉल दिस एज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. आप देख लो यहाँ पे यू हैव ओवर हियर व्हिच इज बीन हैपनिंग, एक ऐसे एरिया के अंदर जहां पे सिर्फ आपके पास चीटियां थी, वहां पे आपको दो अलग अलग पॉपुलेशन जो रिलेटेड है भी नहीं, विच आर नॉट इन रिलेटेड, दोनों के अंदर आपको सेम ट्रेड डेवलप होते हुए आपको वहां पे मिल गया, ताकि वो उसके अंदर वहां पे सर्वाइव कर पाए और एंट्स को खा पाए. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो ये याद रखना, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सो दैट्स व्हाई दिस एग्जाम्पल इज बीन गिवन टू यू, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप और समझ पाओगे. ये जो पिक्चर एनसीईआरटी में उन्होंने देख रखी हुई है, आप अगर आप इसे देखोगे, ये आपका एंटीटर. ठीक है, तो एंटीटर आपका है प्लेसेंटल मैमल, और जो नम बैट आपका जो यहाँ पे, ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल. दोनों के अंदर यू हैव द कॉमन ट्रेट्स, लॉन्ग स्नाउट और लॉन्ग टंग आपको यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव अ सेम हैबिटेट, और मतलब बोथ ऑफ देम विल बी एक्वायरिंग द सेम काइंड ऑफ फूड रिसोर्सेज. ठीक है, इन द सेम हैबिटेट, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ये एग्जांपल की मैं वहां पे बात कर रहा था, एक है प्लेसेंटल मैमल, एक है आपको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, दोनों बिल्कुल यहाँ पे अनरिलेटेड है. ठीक है, अदर एग्जाम्पल आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज माई दिस वन, फ्लाइंग स्क्विरल एंड फ्लाइंग फेलेंजर. फेलेंजर मेरा जो यहाँ पे, दैट इज माई मार्सुपियल, और स्क्विरल जो मेरे यहाँ पे, ये मेरी प्लेसेंटल मैमल है. दोनों बहुत अलग है, बल्कि मैं कहूंगा एक तो साउथ अफ्रीका में आपको मिलता है, एक आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बट बोथ ऑफ देम विल हैव अ कॉमन ट्रेट्स टू फ्लाइट इन द एयर. तो उनके पास कॉमन कैरेक्टर्स है जिसकी वजह से वो हवा में ग्लाइड कर पाते हैं. अगेन एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दोनों के कोई भी एंसेस्टर यहाँ पे कॉमन नहीं है. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और ऐसे ही आपको बाकी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, राइट? दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये सारे एग्जाम्पल एक बार आप बस देख जाना, राइट? ये सारे एग्जाम्पल आर द एग्जाम्पल ऑफ माई कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल बन जाते हैं आपके यहाँ पे. ठीक है, अनरिलेटेड बट ट्रूइंग द सेम ट्रेड्स. दोनों रिलेटेड आपके यहाँ पे है नहीं, बट सेम ट्रेड स्टिल आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आपका खत्म होता है आपका यहाँ पे अडेप्टिव रिलेशन वाला आपका टॉपिक. तो याद रखना कहाँ पे क्या आपको यूज करना है टर्म, दिस समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, दिस समथिंग वी हैव डन. अब द नेक्स्ट चीज जो आपके यहाँ पे सामने आएगी, दैट इज माय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. अब इसको करने के लिए एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन आप मुझे यहाँ पे करके बता दो, ताकि मुझे भी एक तसल्ली हो जाए कि आपको ये समझ आ रहा है. तो लेट्स डू वन थिंग, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से देखो, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 69, अडैप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू व्हाट? टेक योर टाइम एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर, हैंड रेज करके ऑब्वियसली. बताइए कशिश, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? वापस बोलना, सुनाई नहीं दिया. सर ए. आपको ए लग रहा है यहाँ पे. पूजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ऑलराइट, मुस्कान? सर ऑप्शन. राइट, ऑप्शन ए आप लोगों का यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है. Evolution of different species from a common ancestor is an example of my adaptive radiation. That is the story for my adaptive radiation. A common ancestor में से आप अलग-अलग species आप यहाँ बना रहे हो. That's adaptive radiation over here. ठीक है? Then tell me, ये वाला बता दो मुझे. 33 को आराम से देख लो, खुद से पढ़ लो इसे, and then tell me what can be the correct answer over here. So कहानी आप पढ़ चुके हो, story एक बार देख लो इसे यहाँ पे और बताओ क्या option यहाँ पे आपका सी आ जाएगा. प्रिंस ने कर दिया काफी जल्दी. बताइए प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी. तमन्ना ठाकुर आपको क्या लग रहा है? सर डी. देन शगुन? डी. राइट, सो नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय डार्कर फॉर्म वर सिलेक्टेड, दैट्स गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये कहानी आपकी वही है, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म वाली, राइट? देन आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही है यहाँ पे, देन प्लीज अंडरस्टैंड, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई नेचुरल सिलेक्शन, जहाँ पे डार्कर फॉर्म को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था, उसको वहाँ पे एडवांटेज मिला था वहाँ पे एज पर द न्यू एनवायरमेंट. सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी. राइट, देन टेल मी ओवर हियर फॉर दिस, ये क्वेश्चन को आप आराम से देखो यहाँ पे, टेक योर टाइम, सी द क्वेश्चन थरली एंड देन टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर इन दिस. आसान से सवाल है, जस्ट टेक योर टाइम एंड टेल मी. मुस्कान कुमारी बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी.
ओके बाकी उसे मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे लेट्स से और कौन है यहाँ पे सिर्फ मुस्कान जिनका नाम है आप बताइए क्या होगा इसका आंसर सर ऑप्शन सी डिंपल आपको क्या लग रहा है assuming it's you're also saying option c only all right so you will find over here option c in this becomes my correct answer analogous ka matlab yahan pe hota hai beta ki different in origin but similar in function function aapka same hoga but origin aapke yahan pe alag ho jayega yahan pe so yes option c over here becomes my correct answer 115 take your time aaram se dekho galat mat karna 115 ka yahan pe kya answer aayega which of the following are the homologous organ over here inme se kaun sa aapke yahan pe homologous organ aapke yahan pe ban jayega एंजल ट्राई करना चाहोगे इसको एंजल चौहान अच्छा नहीं ठीक है दीप्ति आप बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर दीप्ति बोलिए ऑल राइट तब तक पीयूष आप बताओ क्या होगा इसका आंसर सर ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है ठीक है एनीवन एल्स आई वांट टू ग्रैब समवन एल्स वैभव वैभव आपने लॉन्ग टाइम वैभव कैसे हो आप सर ठीक सर ए और ये बताओ कि क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिनों से क्लास में सर मैं आया था लेकिन ना आप डीएनए वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वो ना मैंने आधा ही मतलब पढ़ा नहीं था इसलिए वो वैभव बोल रहे थे क्या ही पढ़े हम ये सब क्या चल रहा है क्लास नहीं सर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था फिर नहीं मैं समझ रहा हूँ आई थिंक बीच में से आए थे तो आपको शायद वो लिंक बैठ नहीं रहा होगा पहले क्या करा रहे थे सर अभी बीच में से क्या पढ़ा रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग हैपनिंग ट्राई करो बेटा रेगुलर रहने की सो या ट्राई करो ठीक है सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन है बिल्कुल सही हैंड्स ऑफ अ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड इज गोइंग टू करेक्ट आंसर इन दिस ओके ये बता 109 के यहां पे क्या आंसर होगा क्विकली टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर 109 ओवर हियर जल्दी बताना ताकि हम आगे बढ़ सके आयुषी बताओगे जल्दी आयुषी सिंह क्या होगा इसका आंसर आयुषी जल्दी बोलना है इतना टाइम नहीं ले सकते हैं राइट होमोलॉजी डज नॉट रेफर टू माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल होमोलॉजी के साथ आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आप टर्म कभी भी अटैच नहीं करोगे ठीक है अब ये क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग एनसीईआरटी में जो आपका 7.5 वाला जो आपका टॉपिक है ना ये आप खुद से पढ़ोगे दिस विल बी योर होमवर्क आई टेल यू व्हाई दिस इज योर होमवर्क इसमें वही सारी कहानी लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है इवोल्यूशन की कहानी अलग तरीके से बताइए आपको You will find example of your herbicides, microbes की यहाँ पे बात की जाएगी. They will talk about microbes, जिन जो बन जाते हैं आपके antibiotic resistant microbes आपके बन जाते हैं, right? Which become my antibiotic resistant. तो इन सब के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात किया है. So इसी paragraph के अंदर they have discussed about the natural selection, जो आप जानते हो. They have talked about the variation, something we have discussed. So ये आप खुद से पढ़ोगे. So that will be my your homework. 7.5 का paragraph खुद से एक बार पढ़ लेना. अगर आपको समझ नहीं आ रहा देन यू कैन गेट बैक टू मी बट कुछ है नहीं उसमें जो आपको समझ नहीं आएगा वैसे देखा जाए तो बिकॉज ऑल द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू शो शेयर विद यू टू रीड आर ऑलरेडी बीन डन विद द मच मोर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ठीक है यहाँ पर एग्जाम्पल इतना आपको नहीं मिलेंगे सो दैट इज वन कैन हैव अ कट डन कर लोगे ये बात अपने आप से कर लोगे ये चीज यस सर प्लीज आप सर राइट ओके अश्वानी कुछ कहना चाहते हैं अश्वानी से कुछ नहीं कह रहा ओके Now, अभी एक स्टेटमेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर अ टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये आखिरी सेंटेंस है उस पैराग्राफ का अब मुझे लग रहा था कि ये पैराग्राफ को थोड़ा सा बता देता हूँ ये तो आप जानते हो नेचुरल थ्योरी समथिंग यू नो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज बस ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब आपका यहाँ होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ये होता है इसका मतलब कुछ अलग इसका मतलब यहाँ पे नहीं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज दैट्स ब्रांचिंग डिसेंट तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यही आपको बताया गया यही आपको यहाँ पे याद रखना है दैट इज इसका मतलब आपको ये वर्क को मैंने आपको अनफोल्ड कर दिया दैट्स व्हाट द वर्ड मींस बाकी आप सब यहाँ पे जानते हो एवरीथिंग यू आर वेरी मच फेमिलियर विद ठीक है चलो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे करके बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन Within not even a second, Prince का hand raise करना और MS Dhoni की stumping कुछ ज्यादा ही तेज होती है और राइट बाकी लोग भी पढ़ लो बेटा बाकी लोग भी देख लो क्या होगा इसका आंसर क्या लग रहा है अश्वानी क्या होगा इसका आंसर
सर ऑप्शन ए. अरे अश्वानी ऑप्शन ए बोल दिया आपने यहाँ पे. ठीक है प्रिंस क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बैटमैन. बैटमैन. कशिश शर्मा बताइए. सर ऑप्शन ए. पूजा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. ठीक है ध्यान रखना सब लोग यहाँ पे सुन लो ध्यान से. ऑप्शन ए इज नॉट अ परफेक्ट स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन नेशनल सिलेक्शन राइट. नेशनल सिलेक्शन करने के लिए यू नीड ऑल्सो वेरिएशन एज वेल. नेशनल सिलेक्शन होने के लिए आपको वेरिएशन भी चाहिए होता है. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन बी इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. नेशनल सिलेक्शन एक्टिंग ऑन अ फेवरेबल वेरिएशन. आपका नेशनल सिलेक्शन उस पर एक्ट करेगा जो आपका वेरिएशन फेवरेबल होगा उस एनवायरमेंट के लिए. सो दिस बिकम्स अ मच मोर प्रिसाइज एंड करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑल द फोर स्टेटमेंट्स. कि आपका एक फेवरेबल वेरिएशन मतलब क्या हो गया? एक वो वेरिएशन जो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल है. जैसे ब्लैक कलर का जीन जो आपका मेलानिन कलर था वो आपका उस एनवायरमेंट का फेवरेबल था. सो दैट इज कॉल्ड एज माय नेचुरल सिलेक्शन इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस. सो यस ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. तो ए सी डी मत करना. इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी ओवर हियर. सही है. क्वेश्चन नंबर 57. द होमोलोगस ऑर्गन आर दोस दैट शो सिमिलैरिटी इन. हैंड रेज करना आराम से. टेक योर टाइम एंड रेज योर हैंड. इशिता बताइए क्या होगा इसका आंसर? इशिता आवाज पहुंची नहीं यहां तक. खैर कोई बात नहीं. अंशिका अंशु क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन बी. अंशिका अंशु कोई बात नहीं. पलक बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ई. फिर बोलोगे कि बाल जले सर डांटते हैं देन फिर आप बोलते हो फिर बाद में कह रहे सर ने डांट लगा दी. ये तो बताया नहीं था मैं क्लास में आने के पहले. बताओ मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? मुस्कान सर ऑप्शन सी. ऑलराइट तमन्ना आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी बेटा आपके यहाँ पे सी आंसर है याद रखना. होमोलोगस ऑर्गन आर दोस दैट शो सिमिलैरिटी इन द ओरिजिन. का ओरिजिन आपका हमेशा यहाँ पे सेम रहेगा राइट. बाकी फंक्शन तो बेटा हमेशा डिफरेंट रहता है ना होमोलोगस के अंदर. फंक्शन अलग रहेगा. अपीयरेंस नहीं आप काउंट करोगे. अपीयरेंस भी आपका अलग रहता है यहाँ पे राइट. अपीयरेंस इज नॉट समथिंग विल फाइंड. विल हैव सिमिलैरिटी इन योर ओरिजिन. ओरिजिन आपका यहाँ पे सिमिलर होगा हमेशा याद रखना. ओरिजिन आपका यहाँ पे सेम होगा. चाहे आप बात करता हूँ मैं उस फोर लिम की राइट विच इज सीन इन व्हेल डॉल्फिन व्हेल ह्यूमन बींग्स चीता एंड बैट. ओरिजिन उसका हमेशा सेम रहेगा. फंक्शन आपका अलग हो जाता है वहां पे. सो यस ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस. ऑलराइट सो वी हैव कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं. वो भी हम खत्म ही करते हैं यहाँ पे ताकि मुझे भी अश्योरेंस आ जाए ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर टेल मी ओवर हियर दिस वन. टेक योर टाइम रीड द क्वेश्चन थरली एंड देन रेज योर हैंड. है क्वेश्चन आसान बट स्टेटमेंट सेम सेम कई बार लगती है तो गलत स्टेटमेंट मत उठा लेना. The eye of the octopus and eye of the cat shows different pattern of structure, yet they perform similar function. Okay, Dimple, बताइए क्या होगा इसका आंसर? Yes, Dimple, tell us what will be the answer over here. All right. Okay. Ayushi Singh, बताइए. सर ऑप्शन ए. मुस्कान कुमारी सर ऑप्शन ए. लेट्स टेक वन मोर आंसर एंड देन वी हैव टू दिस. महक गुप्ता बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. राइट ऑप्शन ए आपका यहां पे आंसर आएगा. दैट्स द करेक्ट आंसर. एनालॉगस ऑर्गन दैट हैज इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कहानी से पता चल रहा है कि कहानी आपकी यहां पे आ रही है आपके एनालॉगस ऑर्गन की. यू हैव अ same function but you have a completely different structure over there and origin and this will always resonate with the convergent evolution ke sath hi hamesha aapka ye resonate karega. So yes this becomes a correct answer in this. Then question number 30. dekho aaram se take your time and tell me question number 30 ka yahan pe kya answer ho sakta hai. ऑलराइट तमन्ना क्या लग रहा है?
उन्होंने हैंड नीचे कर दिया। सर मेरे को स्क्रीन ही शो नहीं हो रही। अच्छा सबको ही नहीं हो रहा मतलब? अरे हो तो रही है बेटा, मैं तो कंचन क्यों हाथ रेस कर रही होती। हो रही है सर, हो रही है। हिम्मत सिंह बताना चाहोगे क्या होगा इसका आंसर? सर बी। ए कह रहे हो या बी कह रहे हो, क्या कह रहे हो एक बार फिर बोलना। हिम्मत सिंह बोलिए एक बार फिर। सर बी। ओके आयुषी आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। किशोर आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन बी। ओके ठीक है, आई टेक वन मोर आंसर। कशिश बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? कशिश बी लग रहा है। यस सर। लोग बी हम यहाँ पे कर दिया अपने आप ही सर। सी। अच्छा सी लग रहा है, तो बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट थोड़ी आएंगे कन्वर्जेंट के अंदर, डाइवर्जेंट के अंदर आएगा, तो वैसे ही गलत हो गया आपका यहाँ पे। जो लोग बी कह रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर आप लोग कह रहे हो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविला एंड टेंडन्स ऑफ कुकुरबिटा। अरे ये भी तो आपका होमोलॉजी का एग्जाम्पल था। You have a modified branch, right? Which is going to be same in both of them, which is getting modified into tendril and the thorn. So ये भी आपका example जो आपका आता है, ये आपका divergent का example था, तो beyond तो मेरे वैसे ही हट गए, ठीक है? तो मेरा जो सही answer यहाँ पे आएगा, that is going to be your option A. Option A बनेगा मेरा यहाँ पे जो सही answer, eyes of the octopus and the mammal. तो यार इतना दोनों के अंदर आपको क्या मिलेगा? That both of them will have a same function but different structure. So that is my convergent evolution. ठीक है, और डायवर्जेंट में आपको ये आ जाएगा यहाँ पे बोन्स ऑफ द फोलियम एंड ऑफ द वर्टिब्रेट्स। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते बेटा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे एग्जाम के अंदर तो कैसे चलेगा फिर? आओ विल वर्क। सो इस ऑप्शन ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए, सो यू गेट आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू। एंड आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी है, राइट? थोड़ी और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ इस कलर आपका बैठ जाएगा। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू वन मोर थिंग इन दिस, ask in the sense I want to like just give you a quick recap. क्या हमने आज के क्लास में हमने यहाँ पे किया है? आज के क्लास में हमने हमारा क्या यहाँ पे adaptive radiation, और कोई doubt हो तो पूछ लो, ठीक है? This is a time you can ask your doubt. We have done the adaptive radiation, ये हमने कर लिया हमारा यहाँ पे. Then we have also done our homology and analogy, ये भी हमने हमारे यहाँ पे cover कर लिया. We have done the homology and analogy. And then we have done our industrial melanism. Industrial melanism. अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, हमने स्टार्ट करने वाला लैमार्क की थियरीज एंड देन अदर थियरीज विच अदर पीपल गेव, राइट? अभी तक हमारा मोमेंटम सही है, लाइक वी आर डूइंग गोइंग एट द राइट पेस। अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही देन प्लीज आप बता दो मुझे, कोई चीज अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, ठीक है? आई विल बी शेयरिंग विद यू सम क्वेश्चंस राइट नाउ, not right now, after some time, and you can solve them, you can have a grip on the topic by solving those questions. And please principle of inheritance ke liye bhi revision karte rehna. Ek to session hamara hua hai lag se revision ke liye, but aap log bhi apne end se taiyari rakhna. Baki main aapka I'll try to find a slot where I will cover your linkage recombination wali kahani hum ek bar dekh lenge wapas se, theek hai? Taki usse question aapke miss na ho, and you also have this thing in your head ki ab hame aata hai. Right, so we'll be doing that possibly on Saturday. Yeah. So ये चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली, एक बार इसे पढ़ लेना आप अपने एंड से भी, एंड क्वेश्चन शेयर करूंगा तो प्लीज सॉल्व करके शेयर करो। काफी लोग बच्चे शेयर नहीं करते क्वेश्चन सॉल्व करके, बस कहते हैं कि सर हमने सॉल्व तो कर दिया था बस शेयर नहीं किया आपके साथ, तो कर दो, कुछ ज्यादा टाइम लगता हो करने में, यू जस्ट हैव टू गिव वन पिक्चर एंड या ड्रॉप मी अ मैसेज, सो प्लीज डू दैट। ऑलराइट, अब बताइए अगर कोई सवाल हो तो बताइए, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्वेरी इन दिस टॉपिक बताइए, कोई भी अगर क्वेरी या क्वेश्चन है तो बताइए। बोलिए अश्वानी, क्या सवाल है आपका? बोलिए। नहीं सर कोई सवाल नहीं, पहले से था। अच्छा अच्छा, बोलिए तमन्ना, क्या सवाल है आपका? बोलिए सर। वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है ना, वो होमोलोगस में आएगी क्या? हमेशा 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 होमोलोगस के साथ जो आपका टर्म लगेगा वो हमेशा होगा डाइवर्जेंट, हमेशा विदाउट shadow of doubt, right? Always you will find whenever you discuss about the homology,
whenever you discuss about the homology, the only term you are going to associate this term with is my divergent evolution. ठीक है, उसी तरीके से जब भी आप बात करते हो अबाउट योर एनालॉजी, उसके साथ जो आप टर्म एसोसिएट करोगे हमेशा, दिस विल एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ योर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ही आप टर्म उसके साथ वहां पे एसोसिएट करोगे, सो दैट शुड बी क्लियर टू यू हमेशा. बताइए इशिता क्या सवाल है आपका, बोलिए. नहीं इशिता क्या बेटा, कुछ भी आवाज नहीं आ रही. आई एम वेरी श्योर किसको भी आवाज नहीं आ रही होगी, मैं अकेला नहीं हूं. राइट, काफी सिंपल ये सारी चीजें, एंड आगे वाले पोर्शन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. सो वी आर होपिंग दैट इन द फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट वी विल बी एबल टू कंप्लीट द कंप्लीट पोर्शन. बाकी इसका कोई सवाल है तो पूछो आप. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, एंड अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा, प्लीज वो सॉल्व कर लेना. इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स. बताइए अंशिका बेटा, बोलिए क्या सवाल है आपका, बोलिए. सर रिकॉर्डिंग्स लेनी थी पिछली क्लासेस की. कोमल मैम, जानते कोमल मैम को आप? यस सर. आपको जानते. So, आपका जो ग्रुप है ना बेटा, उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा. आपके ग्रुप के अंदर यू विल हैव दैट लिंक ऑफ ऑल द रिकॉर्डिंग्स. ठीक है, अगर ना मिले यू कैन रीच आउट टू, एक बार देख लो अपने एंड पे, अगर नहीं मिले देन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है सर. जो बोगेनविला और कुकुटा है उसमें होमोलोगस ऑर्गन और डायवर्जेंट इवोल्यूशन दोनों आएगा. हाँ, जहां पे भी होमोलोगस आप टर्म यूज कर रहे हो वहां पे डायवर्जेंट इवोल्यूशन ही हो रहा है. जहां पे भी आप होमोलॉजी का एग्जांपल लगा रहे हो, दिस also becomes an example of my divergent evolution. Period. बात करता हूँ. ठीक है? So that is something you have to know. और जहाँ पे भी आप analogy का example आप दे रहे हो, that is also becomes an example of my convergent evolution. क्या? वो चीज़ आपने याद किया. Alright. ठीक है. So that is something we have done. I'm just waiting if you have any other questions over here. In case you have questions, then that's it. That's what we have done आज के क्लास के अंदर.